तो सबसे पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है इस समय, वो है डिस्क्राइब पैरोटेड ग्लैंड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। ठीक है, और ये जो सवाल है, ठीक है, ये 1 करोड़ 2 करोड़ किसी कितने भी रुपए का नहीं है, ये मार्क्स के लिए मिलता है, ठीक है ना। ओके, बेकार जोक था, सॉरी सर। ठीक है, दोबारा तो ग्रॉस एनाटमी, ग्रॉस एनाटमी है ना, तो ग्रॉस एनाटमी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई। मतलब इसमें आपको मॉर्फोलॉजी भी मॉर्फोलॉजी बतानी है, रिलेशंस भी बताने हैं, ब्लड सप्लाई भी बताना है, लिम्फेटिक्स भी बताना है, नर्व सप्लाई भी बताना है। क्यों सर, सही बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अप्लाइड एनाटमी तो अलग ही हो गया। मतलब आपको पैरोटिड ग्लैंड का पी से लेके, पैरोटिड के पी से लेके और ग्लैंड के डी तक सब बताना है, ठीक है सर। तो पहली चीज़ है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? मॉर्फोलॉजी प्लांट मॉर्फोलॉजी नहीं है ये, है ना? लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है, पहले तो लिख देना भाई, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। इसका वेट लिख देना 25 ग्राम्स, ठीक है। ये इन्वर्टेड पिरामिड शेप का होता है, इन्वर्टेड पिरामिड शेप, ठीक है, इन्वर्टेड पिरामिड शेप, ठीक है। एक तो अच्छा, इसमें एक तो दो चीज़ें होती हैं ना, एक तो इसमें इनर ट्रू कैप्सूल होता है, इनर दो दो कैप्सूल होते हैं, तो इनर वाली जो होती है ना वो ट्रू कैप्सूल होती है। एंड आउटर फॉल्स, ठीक है, कैप्सूल। अब आउटर फॉल्स कैप्सूल, इनर ट्रू कैप्सूल। अब इनर ट्रू कैप्सूल किससे बनती है? ये बनती है फाइबर्स टिश्यू के कंडेंसेशन से, ठीक है। ये जो इनर ट्रू कैप्सूल है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ फाइबर्स टिश्यू, फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ फाइबरस टिश्यू। एंड आउटर फॉल्स कैप्सूल इज फॉर्म्ड बाय, सर आपको पता है किससे बनती है ये? सर वो पेरोटिड फेशिया, हाँ, डीप सर्वाइकल फेशिया से, डीप सर्वाइकल फेशिया। सर्वाइकल फेशिया से, ठीक है। तो सर ये कुछ अपनी मॉर्फोलॉजी के बारे में बात हो गई। अब इसमें आप बता देंगे भाई कि एपेक्स होता है, बेस होता है, ठीक है, एपेक्स बेस और बॉर्डर्स होते हैं, तीन बॉर्डर्स होते हैं। बॉर्डर्स कौन कौन से होते हैं? एंटीरियर, मीडियल एंड पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। लास्ट अपने पास होता है सरफेस, सरफेस में सुपरफिशियल, सुपरफिशियल सरफेस, एंटेरोमीडियल एंड पोस्टेरोमीडियल, पोस्टेरोमीडियल सरफेस, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब इनके आप रिलेशंस की बात कर लोगे, ठीक है, RELATIONS, रिलेशंस, ठीक है। तो रिलेशंस की बात करेंगे, तो रिलेशंस में एपेक्स, एपेक्स से कौन सा स्ट्रक्चर रिलेटेड होता है? एपेक्स, एपेक्स से होती है पोस्टीरियर बेली ऑफ डीजी डायगेस्ट्रिक, जो किस आर्ट से डिराइव होती है, ये आप लोगों ने अगर बाकी पेपर देखे तो आपको पता होगा। तो आप एक कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि इट इज़ ये कौन से आर्ट से ये मसल डिराइव होती है, किस आर्ट का डेरिवेटिव है ये, ठीक है, किस ब्रेंकियल आर्ट का डेरिवेटिव है। सही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब तो बता बता देना चाहिए सबको, है ना? दो तीन बार बता दिया आप तो। बेस, बेस में होता है एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीएटस, ठीक है। बेस के रिलेशंस में होते हैं, बेस से कौन कौन से स्ट्रक्चर रिलेटेड होते हैं? एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीएटस। और नेचुरल सी बात है, एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीएटस से थोड़ा दिमाग लगा के अपन ये भी बोल सकते हैं भाई, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। सर ये ट्रेडमार्क क्यों हो गया? हाँ, टीएमजे कर टीएमजे, देते हैं, बिल्कुल टीएमजे कर देते हैं, ठीक है, सर, सही है ना सर? बिल्कुल। अब सरफेसेस की बात करते हैं भाई, सरफेसेस का रिलेशन भी तो होगा ना, सरफेसेस का
बिल्कुल सुपरफिशियल 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 स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, ठीक है। और स्किन सुपरफिशियल फेशिया तो होता ही है, एक और सर डाल देंगे अपन, सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। हाँ एंड पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ प्लैटिस्मा, ठीक है ना सर? बिल्कुल सर। ओके तो ये तो अब एंटेरोमीडियल का रिलेशंस, ठीक है, एंटेरोमीडियल सरफेस के रिलेशंस। एंटेरोमीडियल, एंटेरोमीडियल के लिए एक निमोनिक है, 4M, 4M, ठीक है ना, 4M। तो मैसेटर, ठीक है, पोस्टीरियर रैमस ऑफ मैंडिबल, पोस्टीरियर रैमस ऑफ मैंडिबल। और सर, और आप बताएं कुछ है क्या आपको आइडिया? मेरे को एक तो शायद मीडियल टेरिकॉइड होता है, मीडियल टेरिकॉइड हो और एक होता है मैक्सिलरी आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी। जाएगा। अच्छा, मैक्सिलरी आर्टरी के स्टार्च का डेरिवेटिव है, ये भी आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि पोस्टियर पैली ऑफ डायगेस्टिक जिस आर्च की डेरिवेटिव है ना, उसी आर्च का डेरिवेटिव मैक्सिलरी आर्टरी भी है। बिल्कुल तो आप दोनों का आंसर सेम है, तो आप कुछ भी लिखोगे दोनों के आंसर्स के लिए, आप एक ही कमेंट लिखें, दो दो बार ना लिखें, ठीक है, लिखें और कमेंट में आप आंसर्स बताएं। ओके, अगर किसी को कमेंट में नहीं बताना है वो हमको मेल भी कर सकता है, ऊपर डाल के सर, बिल्कुल ये सब्जेक्ट डाल के, सब्जेक्ट डाल के मेल करिए ना। ओके, पोस्टेरोमीडियल। और किसी को सवाल पूछने हो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना, बस सवाल भी मतलब सवाल अपने कोर्स के होने चाहिए, अभी जो एग्जाम आ रहे हैं, और सवाल पूछना बहुत अच्छी बात है, सवाल भी पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो पोस्टरोमीडियल में थ्री प्रोसेसेस होते हैं सर, ये सोचते होंगे ये मैटलैब वाले पढ़ाते कम है, बातें ज़्यादा करते हैं। पढ़ाओ सर पढ़ाओ। तो मैस्टॉइड प्रोसेस, ठीक है सर, और बिल्कुल सर, सर और एक होता है स्टाइलॉइड, और तीसरा प्रोसेस होता है, बड़ा फेमस प्रोसेस है, एटलस साइकिल लिमिटेड। शायद बंद हो गई सर, हाँ अब नहीं आती। ऑफ एटलस, ठीक है, कोई साइकिल, साइकिल की कोई ऐड नहीं है, ठीक है यहाँ पे। बिल्कुल सर एटलस फर्स्ट वर्टिब्रल बोन की बात हो रही है। हाँ, अब रिलेशंस में एक आखिरी चीज, मैं बॉर्डर्स के रिलेशंस बताऊंगा। बॉर्डर्स, बॉर्डर्स मैंने आप लोगों को बताए थे, एंटीरियर पोस्टीरियर मीडियल बॉर्डर्स है, जिसमें एंटीरियर के कोई रिलेशन नहीं होते, ठीक है। पोस्टीरियर के मैं जरूर बता दूंगा आपको, ठीक है। पोस्टीरियर के भी याद रखना बहुत आसान है, एक तो स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, सर इससे अलग दुश्मनी है सबकी स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड से, बहुत हो गए, पोस्टीरियर रिलेशन में आ जाती है ये। हाँ सर ट्राइंगल्स में भी मिल जाएगी फिर हाँ, बाउंड्री बनाते हुए। बिल्कुल पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। एंड एक और चीज मिलती है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व अगर मिल रही है तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेसल्स भी तो मिलेंगी, ठीक है। और मीडियल के बॉर्डर सबसे आसान है, आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे मीडियल के बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर के जो स्ट्रक्चर्स रिलेटेड हैं वो बहुत अच्छे लगेंगे आपको, क्योंकि वो है ओनली एंड ओनली फेरिंग्स, बिल्कुल ठीक है। फिर आपको रिलेशंस के डायग्राम बना देना, फिर इसकी सर ब्लड सप्लाई की बात कर लें, सर फिर इसमें ब्लड सप्लाई देखो, खून, ठीक है, सर अंडरलाइन खून, आपकी तरफ से होने चाहिए। एक सेकंड सर, ठीक है सर, बंद कर दिया। ईसीए एंड
एक्सटर्नल जुगलर वेन, ठीक है बिल्कुल सर। ना? ओके, सो लिम्फेटिक तो बता ही दिया मेरे हिसाब से, लिम्फेटिक पैरोटिड ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड से होता है, लिख नहीं रहा हूँ इसलिए मैं, है ना। नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई सर, नर्व सप्लाई बताने की जरूरत है क्या? सर जिसने क्रेनियल नर्व्स पढ़ा है उसको तो नहीं है, पर अब अपन पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो बता ही दो। हाँ, ऑरिक्यूलो टेम्पोरल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व, ये तो इसकी क्या है, सेंसरी है। और मोटर कौन सी है? मोटर में प्री गैंग्लियोनिक होती है और पोस्ट गैंग्लियोनिक होती है, सीक्रेटर मोटर में, ठीक है। जी तो सर। प्री गैंग्लियोनिक में तो क्या आएगी, ग्लॉसोफेरेंजियल, फिर ग्लॉसोफेरेंजियल जाएगी टेम्पेनिक प्लेक्सस, लेसर पेट्रोजल, ऑर्टिक गैंग्लियन, और फिर वहां से निकलेगी ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व। और तो प्री गैंग्लियोनिक में क्या हो जाएगी, प्री गैंग्लियोनिक में, प्री गैंग्लियोनिक नर्व होगी ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, ठीक है। ये जाके ओटिक गैंग्लियन में इसके फाइबर्स रिले करते हैं, ठीक है ना। ओटिक गैंग्लियन भी सर कई बार आ चुका है सर क्वेश्चन। हाँ, इन ओटिक गैंग्लियन सर, इस नर्व की एक अलग ही नाम होता है, ये जो जाती है ना, ये टिम्पेनिक प्लेक्सस जो बनाती है, इसका सर अलग ही नाम होता है, और वो नाम भी इसके जेकबसन। वीडियो। हाँ, तो सर ने बता ही दिया, मैं आप लोगों को से पूछने वाला था। चलो निकल ही सर, जाता है सर आपकी वीडियो से पढ़ने के बाद सर निकल ही जाता है। एक काफी लोग शौकीन लोग हमारे वीडियो देख रहे होंगे, शौकीन, जेकब्सन तो जैकोब्स करके एक शायद विस्की आती है, रम आती है, ठीक है, उससे भी याद रख सकते हो, जैकोब्सन्स नर्व, मैंने उसी से याद रखा है, पर मैं शौकीन नहीं हूँ, है ना। पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व, पोस्ट गैंग्लियोनिक बताने की जरूरत है नहीं, बहुत इजी है, ठीक है। ओके, अब सर इसमें क्या बचा? एप्लाइड बच रहा है सर इसका बिल्कुल पेरोटेट सर, का। एप्लाइड भी बताएंगे। एप्लाइड में सबसे पहली चीज, ठीक है, इसमें जैकोब से आप कुछ याद नहीं रख सकते हो, ठीक है ना। पैरोटिडाइटिस, ठीक है, इसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। अच्छा, ये इतना पेनफुल क्यों होता है? इट इज वेरी पेनफुल बिकॉज ड्यू टू अनयील्डिंग नेचर ऑफ पैरोटिड एशिया फेशिया, बिल्कुल सर, ठीक है। और मम्स भी, इसका एक वायरल इन्फेक्शन होता है। पेरोटिड ग्लैंड का। हाँ, एक हिल्टन्स मेथड याद कर सकते हो आप इसमें, इसके क्लिनिकल के लिए, हिल्टन्स, हिल्टन्स मेथड, हिल्टन, हिल्टन मिल्टन की बॉटल, हिल्टन का मेथड, ठीक है। तो हिल्टन्स मेथड, ये इसमें क्या होता है कि पैरोटिड एब्सेस अगर है, तो पैरोटिड एब्सेस को ड्रेन करने के लिए ट्रांसवर्स सेक्शन लगाते हैं अपन पैरोटिड ग्लैंड पे, तो अपन क्या फेशियल नर्व की ब्रांचेस को इंजरी नहीं पहुंचाते ट्रांसवर्स सेक्शन लगाने से, हिल्टन्स मेथड में। तो ऐसे याद रख लो भाई, हिल्टन एक आदमी था, वो मिल्टन की बोतल से पानी पीता था। एग्जाम में सब मिल्टन की बोतल ले जाना, याद रहेगा, हिल्टन मिल्टन है ना। और अरे वो मिल्टन वालों, वो पैसे भेज देना भाई, तुम्हारा एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं फ्री में, ठीक है। और एक एक और चीज़ है, मिक्स पैरोटिड ट्यूमर, ठीक है, मिक्स पैरोटिड ट्यूमर, ये एक बहुत ही स्लो ग्रोइंग ट्यूमर होता है, बेनाइन होता है, ठीक है ना। अच्छा, एक सवाल है, अगर किसी ने बायोकेमिस्ट्री या कैंसर पढ़ा हो, सर पूछ लूँ क्या? तो अगर किसी को कैंसर सेल्स, मतलब बेनाइन जो सेल्स होते हैं, वो कैप्सुलेटेड होते हैं, एनकैप्सुलेटेड होते हैं, या नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं, तो इसका जवाब आप बता दें,
नहीं तो चलो मैं ही बताता हूँ कि बेनाइन जो होता है वो एनकैप्सुलेटेड होता है, मैलिग्नेंट नॉन कैप्सुलेटेड। ठीक है, तो ठीक है अपन बायोकेमिस्ट्री से वापस आते हैं, फालतू काफ़ी लोग दुखी हो गए होंगे। तो स्लो ग्रोइंग बेनाइन पेनलेस ट्यूमर होता है एंड इट डज नॉट इन्वॉल्व फेशियल नर्व, ठीक है ना, इतना ही है, मिक्स पैरोटिड ट्यूमर। एक बहुत ज़रूरी है फ्रेज, सिंड्रोम सिंड्रोमो, भाई बहुत खतरनाक चीज़ है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पैरोटिड ग्लैंड में अगर कभी पेनिट्रेटिंग वूंड हो गया, मतलब ऐसे, मतलब कोई स्टैब वूंड हो गया, मैं किसी ने मार दिया, वो पेनिट्रेट कर गया जो चीज़ भी थी जिससे भी मारा था, तो उसमें क्या होता है कि ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व और ग्रेट ऑरिकुलर नर्व डैमेज हो गई। अब जब रीजनरेशन होगा नर्व का तो ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व ज्वाइन कर जाती है ग्रेट ऑरिकुलर नर्व से। ठीक है, तो पैरोटिड ग्लैंड का जब स्टिम्यूलेशन होगा, मतलब जब सलाइवेशन चाहिए, सलाइवरी ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड, जब सलाइवेशन चाहिए तो ग्रेट ऑरिकुलर नर्व का स्टिम्यूलेशन हो जाता है। तो ग्रेट ऑरिकुलर नर्व का अगर स्टिम्यूलेशन हो जाता है तो पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर पसीना आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसा होता है। अच्छा, इसके डक्ट के बारे में तो अपन बोलना ही भूल गए, इसकी डक्ट कौन सी होती है, स्टेंसन्स डक्ट, ठीक है ना, स्टेंसन्स डक्ट। उसकी लेंथ लगभग लगभग 5 सेंटीमीटर होती है और विड्थ लगभग लगभग 3 mm के आसपास होती है, ठीक है स्टेंसन्स सर। डक्ट। ठीक है, ओके, ठीक है सर, मैं इसके डक्ट के बारे में भी लिख ही देता हूँ, डक्ट, ठीक है, यहाँ पर ये अप्लाइड का पार्ट नहीं है सर, ये एक बार ऊपर लिख दो सर, आप ऊपर लिखूँ, ओके गलत समझ लेंगे उनका, ओके ओके, यहाँ लिख ऊपर ही दूँ, लिख दो। यहाँ लिख दूँ हाँ इसके बाद, हाँ हाँ इसके बाद लिख दो, डक्ट, कोई दिक्कत नहीं, ग्रोस का पार्ट है एक्चुअली ये। हाँ स्टेंसन्स डक्ट। मिल्टन अलग है, स्टेंसन अलग है ना, और हिल्टन अलग है। मिल्टन को लिखना नहीं है कहीं पे भी। हाँ मिल्टन को लिखना नहीं है, मिल्टन से सिर्फ याद रखना है, मिल्टन की बॉटल, मिल्टन का टिफिन, ठीक है, स्टेंसन्स डक्ट, ओके। इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर, वैसे ही स्टेंसन्स डक्ट का क्वेश्चन तो नहीं है और आता भी नहीं है स्टेंसन्स डक्ट पे क्वेश्चन ज़्यादातर, 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ इसकी लगभग होती है 3 mm, ठीक है, ओके, ठीक है सर, ओवर टू यू। ठीक है सर, तो हमेशा की तरह सेकंड क्वेश्चन शॉर्ट नोट है। सबसे पहला है इसमें सुपिनेशन एंड प्रोनेशन, सर ये रिपीट क्वेश्चन अगेन, ठीक बिल्कुल है। सर, तो सुपिनेशन प्रोनेशन मूवमेंट की जब बात करनी है अपने को, तो सबसे पहले आदत सी होगी है इंट्रोडक्शन की, तो सबसे पहले आप देंगे इंट्रोडक्शन। और सर मैं कह रहा था कि एक बढ़िया सा इंट्रोडक्शन मुश्किल आसान कर देता है, बिल्कुल सर, ठीक है। तो प्रोनेशन एंड सुपिनेशन मूवमेंट पे आते हैं, इसके इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे आपकी, दीज आर स्किल्ड मूवमेंट्स ऑफ अपर लिम्ब, स्किल्ड मूवमेंट्स, वी आर ह्यूमंस, वी आर हायर एनिमल्स, सो वी कैन परफॉर्म स्किल मूवमेंट्स इजीली, तो दीज आर वन ऑफ देम। अच्छा, इसमें स्किल मूवमेंट्स के साथ आप बताएंगे कि इसमें जो अपने पाम है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, मतलब सुपिनेशन और प्रोनेशन में पाम की डायरेक्शन का भी इम्पोर्टेंस है। जैसे अगर पाम अपवर्ड है, अगर जी सर, पाम अपवर्ड है तो वो क्या होगा, सुपिनेशन होगा कि प्रोनेशन होगा, पाम अपवर्ड यानी कि इट इज सुपिनेशन, तो पाम की डायरेक्शन का भी इम्पोर्टेंस है। अगर पाम ऊपर है तो सुपिनेशन है, पाम अगर नीचे है तो वो प्रोनेशन है, ठीक है सर। जी तो सर, ये सुपिनेशन बेसिकली याद करने के लिए होता है कि पाम की डायरेक्शन। इसको सर एक अंग्रेज लोग ऐसे भी याद रखते हैं, एक निमोनिक बना के, कि बेगर्स सुपिनेट एंड किंग्स प्रोनेट। बेगर का हाथ ऐसे भीख मांगने के लिए ऊपर रहता है हमेशा, हाँ पाम ऊपर, तो बेगर्स सुपिनेट एंड किंग्स दान देते हैं, आशीर्वाद की तरह दान देते हैं, तो उनका हाथ जो पाम है वो नीचे रहता है, तो किंग्स प्रोनेट उस तरह से नहीं याद रखते, ठीक है। सर, वी ऑल्सो सुपिनेट वी ऑल्सो ड्यूरिंग सुपिनेट सर, ड्यूरिंग ड्यूरिंग अवर वाइवास बिल्कुल सर, फॉर बिल्कुल गेटिंग फॉर मार्क्स, गेटिंग मार्क्स फ्रॉम
फ्रॉम एन एक्सटर्नल एग्जामिनर। ठीक है सर। बट ही डजंट प्रोन इट। हाँ सर, वो पेन उठा तक तक नहीं है, वो सिर्फ नाम पूछता है, कुछ तो बोलेगा भाई, नाम पे सर अपना मुंह खुलता है बस। हाँ बिल्कुल सर, बाकी सॉरी। ओके ठीक है सर, तो इंट्रोडक्शन हो गया अच्छे से, हाँ फिर आप बता देंगे। अब मूवमेंट है तो किसी ना किसी जॉइंट पे हो रहा होगा, तो जॉइंट इन्वॉल्व। अब जॉइंट इन्वॉल्व सुपिनेशन प्रोनेशन के लिए होता है रेडियो अल्नर जॉइंट। जी सर, ठीक है सर, अब रेडियो अल्नर में भी मतलब सुपीरियर और इंफीरियर रेडियो अल्नर दो होते हैं, दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए अलग से याद रखने की जरूरत ही नहीं है। रेडियो अल्नर जॉइंट, जी सर, ठीक है, सुपीरियर प्लस इंफीरियर। ये आगे एक और ब्रैकेट बनाता हूँ, इसमें लिख देता हूँ सुपीरियर प्लस इंफीरियर। जी सर, ठीक है, अब जॉइंट का मूवमेंट किस एक्सिस के अराउंड हो रहा है ये भी बता सकते हैं अपन, यहाँ पे बता देंगे एक्सिस, किस एक्सिस के अलोंग यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। तो ये जो एक्सिस होती है सर, ये वर्टिकल होती है और बिल्कुल स्ट्रेट ना होके स्लाइटली ओब्लिक होती है। अब ओब्लिक क्यों होती है देखो समझना, एक तरफ तो ये एक्सिस पास करती है रेडियल जो बोन है अपनी रेडियस, उसके हेड से, रेडियल हेड से, और नीचे की तरफ ये पास करती है जो अल्नर बोन है अल्ना, उसकी स्टाइलोइड प्रोसेस होती है सर रिस्ट की तरफ वहां से। तो एक तरफ है रेडियस, एक तरफ है अल्ना, तो स्लाइटली ओब्लिक तो होनी है। बिल्कुल सर, तो सर इसलिए इस एक्सिस को बोला जाता है स्लाइटली ओब्लिक। ठीक है सर, तो इसको लिख सकते हैं अपन वर्टिकल, ठीक है, प्लस स्लाइटली ओब्लिक, और बता सकते हैं कि रेडियस के हेड से जाती है और अल्ला की स्टाइलेट प्रोसेस से जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, अपन ने एक्सिस भी बता दी, अब अपन बताएंगे कि ये मूवमेंट जो अपन ने बोला कि स्किल्ड मूवमेंट है, तो इसका फंक्शन क्या है, मतलब स्किल्ड मूवमेंट अपनी हेल्प के लिए होता है, तो क्या हेल्प होगी अपनी सुपिनेशन और प्रोनेशन से। ठीक है सर, तो सुपिनेशन और प्रोनेशन मूवमेंट आर वेरी वाइटल फॉर अस एज दे आर द सोर्स फॉर ग्रेस्पिंग द मूवमेंट, ग्रेस्पिंग द फूड। अपन जब खाना खाते हैं तो जो मूवमेंट होता है वो होता है सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। बिल्कुल सर, इसलिए ये अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मॉर्फोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में आप लिख सकते हैं वाई दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर ईटिंग फूड, सिंपल ईटिंग फूड। ईटिंग फूड में भी मैं डिटेल बताऊं आपको, तो जब अपन जैसे थाली में मान लो खाना रखा हुआ है, अपने को से खाना है, तो सबसे पहले अपन उसको पकड़ेंगे, तो सर जब अपन उसे पकड़ते हैं तो अपना पाम नीचे की तरफ है, यानी वी आर प्रोनेटिंग, एंड जब अपन उसको मुंह में डालते हैं तो अपना पाम ऊपर हो जाता है, तो वी आर सुपिनेटिंग। प्रोनेशन सुपिनेशन, प्रोनेशन सुपिनेशन, ये प्रक्रिया चलती रहती है और अपन अपना खाना खाते रहते हैं सर, इसलिए ये इनकी मॉर्फोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है अपने फूड की ईटिंग में। ठीक है सर, जी सर, सर मॉर्फोलॉजिकल इम्पोर्टेंस बता दी अपन ने इन मूवमेंट्स की, अब अपन इंडिविजुअल मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले लेते हैं सुपिनेशन, ठीक है सर, अब डिटेल में बात करते हैं कि सुपिनेशन जब अपन कर रहे होते हैं तो क्या होता है। तो सर सुपिनेशन में क्या होता है कि जो रेडियस बोन है, रेडियस जो बोन होती है वो पैरेलल होती है अल्ना के, इज पैरेलल टू, ठीक है सर, ये होता है सुपिनेशन के केस में। जी सर, वही दूसरी ओर जब अपन प्रोनेट करते हैं, जब अपन प्रोनेशन करते हैं, तो प्रोनेशन में जो रेडियस बोन है, रेडियस बोन का जो लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट है वो रोटेट करता है और अल्ला के ऊपर आ जाता है। ठीक है सर, रेडियस का जो लोअर पार्ट है वो रोटेट करता है एंड ओवरलैप्स विद अल्ला, ओवरलैप्स, ये तो अपर पार्ट लोअर पार्ट की बात होगी, लेकिन रेडियस का जो हेड है उसका भी मूवमेंट होता है इस टाइम पे प्रोनेशन में। जो रेडियस का हेड, रेडियल हेड जिसे अपन कह सकते हैं, वो रोटेट करता है, इट रोटेट्स इनसाइड द, सर आपको याद होगा रेडियस के हेड पे ऐसे लिगामेंट होता है जिसका नाम याद है क्या सर आपको? ये रेडियस के हेड पे नहीं सर, मेरे को ध्यान नहीं है।
अल्लाह से जुड़ा हुआ होता है, मतलब एक सर रिंग टाइप बना लेता है वो हेड के ऊपर, उस वो लिगामेंट, उसको बोलते हैं सर एन्यूलर लिगामेंट। एन्यूलस का हाँ मतलब ही होता है रिंग बिल्कुल बिल्कुल सर। सर। एन्यूलर लिगामेंट जो है उसके इनसाइड ये रोटेशन शो करता है, रेडियस गाइड। रेडियस गाइड तो रोटेट होता है टुवर्ड्स अल्लाह, और जो लोअर एंड है रेडियस का, वो पूरा का पूरा घूम के ओवरलैप कर जाता है अल्लाह को। जी ये सर। होता है सर प्रोनेशन। ठीक है, तो अब अपन बताएंगे बोन्स के बारे में, बता दिया कि कब क्या क्या होगा किस बोन का। अब अपन बताएंगे किस मसल ने ऐसा किया, मतलब सुपिनेटर्स एंड प्रोनेटर्स, इनकी अपन बात करने वाले हैं। मसल्स इन्वॉल्व, जो सुपिनेशन करा रही है मसल उसको सुपिनेटर बोल देंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं सुपिनेटर्स को। सुपिनेटर्स सर याद करना काफी आसान है, क्यों? क्योंकि मसल का नाम ही क्या है, सुपिनेटर। ठीक जी सर। है, और दूसरी मसल कौन सी है, बड़ी पावरफुल, बाइसेप्स। बाइसेप्स ब्रेकाई। ठीक है सर, बाइसेप ब्रेकाई भी जो एल्बो जब फ्लेक्स्ड रहती है तब सुपिनेशन करती है, बाइसेप्स ब्रेकाई, और काफी पावरफुल मसल इसी है। इस इसी मसल के चक्कर में तो सर हजारों साल यहाँ पे बस खर्च हो जाते हैं। तर जिम के सब बाइसेप्स बनाने में लगे हुए। अब सर बिल्कुल बिल्कुल। अगला ग्रुप देखते हैं अपन प्रोनेटर्स का। तो प्रोनेटर्स में भी नाम आसान है, क्योंकि सबके नाम के आगे प्रोनेटर आएगा, प्रोनेटर क्वाड्रेटस एंड प्रोनेटर सीरीज। ठीक है सर, बिल्कुल सर। तो ये मसल्स इन्वॉल्व भी होगी। ठीक है सर, अब यहां तक मतलब एक स्टैंडर्ड आंसर कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक चीज और है जो मिसलिनियस पॉइंट है, याद रह जाए तो जोड़ देना, वैसे बाइसेप्स से अंदाजा मिल जाएगा तुम्हें मैं क्या लिखने जा रहा हूं। द सुपिनेशन मूवमेंट, सुपिनेशन मूवमेंट इज मोर पावरफुल देन प्रोनेशन। प्रोनेशन। सुपिनेशन इज मोर पावरफुल देन प्रोनेशन, ऐसा क्यों सर, कुछ आइडिया है सर आपको? सर बाइसेप्स की वजह से। हाँ एग्जैक्टली, एक तो है कि इसमें जो मसल इन्वॉल्व है वो काफी बल्कि है बाइसेप्स बाकी के कंपैरिजन में, ये दूसरी तरफ है प्रोनेटर क्वाड्रेटस और प्रोनेटर टीरिस। डायग्राम में जाके देखना जरा जरा सी मसल है, और बाइसेप्स इज ए लॉन्ग एंड बल्कि मसल, तो ये काफी पावरफुल होती है इनके कंपैरिजन में, तो सुपिनेशन को भी पावरफुल होना ही है। दूसरी बात एक और है कि जो सुपिनेशन मोमेंट है इज कंसिडर्ड एज एन एंटी ग्रेविटी मोमेंट। और सर आपको पता होगा जितनी भी एंटी ग्रेविटी वाली चीजें ना, चाहे मतलब मसल हो जाए चाहे मोमेंट हो जाए, वो सारी स्ट्रोंग होती है, तो एंटी ग्रेविटी मोमेंट होने की वजह से भी सुपिनेशन जो है मोर पावरफुल होता है। ठीक है सर, जी सर। तो ये अपना शॉर्ट नोट कंप्लीट, सुपिनेशन प्रोनेशन। चाहो तो फिर डायग्राम बना देना, रेडियस एक बार पैरेलल दिखा देना अल्लाह के, एक बार उसमें लोअर पार्ट को उसके ऊपर दिखा देना अल्लाह के, तो सुपिनेशन प्रोनेशन वाली बात हो जाएगी। ठीक है सर, जी सर। फिर अपन शुरू करते हैं बेल्स पाल्सी को। बेल्स पाल्सी अपना जो सेकंड पार्ट है ये है। अब बेल्स पाल्सी सेवंथ नर्व की अप्लाइड में सब पढ़ते हैं, सेवंथ क्रेनियल नर्व जो है फेशियल नर्व, उसकी अप्लाइड का पार्ट है सर बेल्स ये अभी आप पाल्सी। कहाँ दिखाने वाले हैं, तो उस हिसाब से मैं स्क्रीन को एडजस्ट कर दूँ। इसके नीचे हाँ सर, मतलब डायग्राम यहाँ में मैं लिखने हैं। लिखूंगा दो लाइन और डायग्राम इसके नीचे। अच्छा ठीक है, पहले आप लिख रहे हो ना, क्योंकि वो डायग्राम और ये हाँ दोनों सर, चीज़ें एक साथ नहीं दिख रही। हाँ हाँ सर, मैं लिख रहा हूँ पहले। हाँ हाँ ओके ओके सर। तो बेल्स पाल्सी जो है वो सेवंथ नर्व, जैसा कि मैं कह रहा था फेशियल नर्व, उसका क्लिनिकल है। तो इसमें क्या होता है, इट इज दी लोअर मोटर न्यूरोन, LMN, लोअर मोटर न्यूरोन लीजन ऑफ फेशियल नर्व। ठीक है सर, बिल्कुल सर। सही है ना। बेल्स पाल्सी में क्या होता है, जो सेवंथ नर्व है उसके जो लोअर मोटर न्यूरोन है, लोअर मोटर न्यूरोन मतलब जो न्यूक्लियस से निकलने के बाद वाले, रिले होने के बाद वाले, वो न्यूरॉन्स की पाल्सी पैरालिसिस हो जाता है, वहां पे कुछ डैमेज हो जाती है, कुछ लीजन हो जाता है, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं बेल्स पाल्सी। इसमें आपको जो साइंस एंड सिम्टम्स दिखेंगे, साइन, एक सेकेंड सर,
साइंस दिखेंगे आपको, सर वो बंद कर लो वो आप होंगे बिल्कुल आप। सर। अब आपने लोअर मोटर न्यूरॉन कहा है, तो जितने भी आपको एबनॉर्मेलिटीज दिखेगी वो सारी दिखेगी इप्सिलेटरल। तो इप्सिलेटरल फेशियल पैरालिसिस, सबको पता है कि फेशियल नर्व है, पूरे फेस को सप्लाई करती है मोटर सप्लाई। अगर उसका पैरालिसिस हो जाएगा तो क्या होगा, फेशियल नर्व का लीजन हो जाएगा तो क्या होगा, फेस का जो मसल है उनका पैरालिसिस हो जाएगा। तो बिल्कुल सर इप्सिलेटरल फेशियल पैरालिसिस पैरालिसिस इज सीन इन द केस ऑफ वेल्स पाल्सी। ठीक है, अब सर वो डायग्राम दिखा रहा हूँ सर मैं, अब डायग्राम की बात कर रहा हूँ। तो जी सर इसमें, इस डायग्राम में आप देखिए, सबसे नीचे दिख रहा होगा आपको फेस, ठीक है, और ऊपर आपको दिख रहा होगा कोर्टेक्स, और बीच में है सेवंथ न्यूक्लियस। ठीक है, अब आपको बेल्स पाल्सी समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ रेड वाले न्यूरॉन्स को देखना है। ठीक है, अपन को अपर मोटर न्यूरॉन की बात नहीं करनी है, इसलिए उसको भी मत देखो। आप सिर्फ ये देखो कि सेवंथ नर्व का न्यूक्लियस है और वहां से न्यूरॉन आके सप्लाई कर रहे हैं लोअर हाफ ऑफ फेस को, और उसी न्यूक्लियस से ब्लू वाले भी आ रहे हैं जो कि सप्लाई कर रहे हैं अपर हाफ ऑफ फेस को। ठीक है, जी सर यहाँ कहीं क्रॉसिंग ओवर कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है, जिस साइड का न्यूक्लियस है उस साइड का फेस सप्लाई कर रहा है, अपर हाफ भी और लोअर हाफ भी। तो अगर इस न्यूक्लियस के बाद इस फेस तक के कोर्स में न्यूक्लियस और फेस के बीच में कहीं पे भी लीजन हो रहा है सेवंथ नर्व का, तो उसको बोलेंगे LMNL, लोअर मोटर न्यूरोन लीजन जी सर ऑफ सेवंथ नर्व। जी सर ठीक है, इसी को बोलते हैं बेल्स पाल्सी। और इसमें क्या होगा, मान लो यहाँ से नर्व हट गई जहां पे ग्रीन जिगजैग लाइंस है, तो क्या होगा, ये जो येलो शेडेड एरिया, ये पूरा पैरालिसिस हो जाएगा इसका, यानी कि इप्सिलेटरल यानी कि सेम साइड का फेशियल यानी फेस का पैरालिसिस, इसी को बोला है जी बेल्स पाल्सी। जी सर ठीक है, ओके सर, बेल्स पाल्सी में बस इतना ही, ओवर टू यू सर। ओके सर सर मैं बोल रहा था ये आदमी परेशान बहुत लग रहा है मुझे बेचारा। इसको आपने सर दोनों ही पाल्सी करा होगी ना, दिए, अपर मोटर न्यूरॉन भी करा दिया लोअर भी करा दिया, बिल्कुल सर छोड़ा ही नहीं आपने बिल्कुल। इसको बेचारे को। चलो आ जाते हैं खतरनाक चीज़ पे, खतरनाक ही यही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स। देखो डिस्क्लेमर, ऐसा ये माइक्रोस्कोप में नहीं दिखेगा, ठीक है सही बोल रहा हूँ ना सर। बिल्कुल सर बिल्कुल। पैलेटाइन टॉन्सिल, इसे पेपर में बनाने के लिए है और कॉपी में बनाने के लिए है। देखो वास्तविकता से इसका कोई भी वास्तविकता लेना से देना कोई नहीं लेना है। देना नहीं है इसको, ठीक है। तो ये देख लो आप, ये पैलेटाइन टॉन्सिल का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। पैलेटाइन टॉन्सिल इज अ टाइप ऑफ, क्या है ये कुछ आइडिया, लिम्फोइड ऑर्गन है ना ये, बिल्कुल सर, लिम्फो रेटिकुलर सिस्टम के अंदर आते हैं ना ये। ओके सर, पैलेटाइन टॉन्सिल, पेयर्स, पैचेस, लिम्फ नोड। थाइमस। चल अब पैलेटाइन टॉन्सिल अगर आप ये देखें तो इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथीलियम, ये पूरी आपको दिख रही होगी ऊपर, ठीक है जहाँ पे मैं ये पॉइंटर चला रहा हूँ। तो ये ऊपर पूरी ऊपर की साइड में प्रोटेक्टिव कवरिंग है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथीलियम की। इट इज इनवेजिनेटेड बाय डीप ग्रूव्स कॉल्ड क्रिप्ट्स, क्रिप्ट्स से ये इट इज इनवेजिनेटेड बाय डीप ग्रूव्स कॉल्ड क्रिप्ट्स, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो टॉन्सिलर क्रिप्ट्स हैं जो मैं दिखा रहा हूँ, ये टॉन्सिलर क्रिप्ट्स, ये वाले क्रिप्ट्स या ये वाले क्रिप्ट्स, दिस टॉन्सिलर क्रिप्ट्स इसमें क्या होता है, डेड एंटीजन्स, ब्रोकन डेब्रिस, डिसआर्म्ड बैक्टीरिया, ये सारे इसमें एंट्रैप्ड होते हैं, कंटेंट होते हैं, ठीक है। अब लिम्फेटिक नोड्यूल्स दिख रहे हैं आपको, ये लिम्फेटिक नोड्यूल्स ब्लू ब्लू कलर के, तो लिम्फेटिक नोड्यूल्स, ठीक है, जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये मर्ज करके और एक जर्माइनल सेंटर बनाते हैं, ठीक है। और ये बीच बीच में आपको ब्लड वेसल्स भी कुछ दिखाई देंगी, और ये ट्रेबिक्यूलेज हैं, ये बीच में ट्रेबिक्यूलेज, यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी दिखाई देंगी, और नीचे स्केलेटल मसल्स। तो पैलेटाइन टॉन्सिल का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ये, आपको इसमें क्या क्या होता है, इसमें कोई ना खून ना प्यार कुछ नहीं होता, ठीक है। जी सर, अब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ एपिग्लॉटिस देखेंगे तो एपिग्लॉटिस में
ये अपन देख सकते हैं ऊपर ही ऊपर, ये लारेंजियल एंड लिंगुअल म्यूकोजास। ठीक है, तो लारेंजियल म्यूकोजा इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। ठीक है, जो सेम वहां पे भी थी, यहाँ पे भी ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम मिली। ठीक है, और लारेंजियल म्यूकोजा इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीरेटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, बिल्कुल अब आपको इसमें पेरिकॉन्ड्रियम भी देखने को मिलता है एपिग्लॉटिस में। एपिग्लॉटिस में पेरिकॉन्ड्रियम क्यों देखने को मिलता है, यह आप लोग कमेंट में बताएंगे, कमेंट्स भर जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि ये कार्टिलेज है। तो कौन सी कार्टिलेज है ये कार्टिलेज है इलास्टिक कार्टिलेज, तो इसलिए इसमें पेरिकॉन्ड्रियम देखने को मिलता मिलता है। है। ठीक है, ये अंदर पूरी इलास्टिक कार्टिलेज आपको देखने को मिलेगी। ये सीरो म्यूकस ग्लैंड्स इन लैमिना प्रोप्रिया ये मिलेंगे। प्रॉपर ठीक है, अब सीरो म्यूकस ग्लैंड्स क्यों मिलते हैं, इसका जवाब तो आप भी जानते ही हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पेरिकॉन्ड्रियम, यू कैन सी द इलास्टिक कार्टिलेज। अच्छा, इलास्टिक कार्टिलेज में ये मैट्रिक्स दिख रहा होगा आपको पूरा, ये मैट्रिक्स है, देखो मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स है, इलास्टिक फाइबर्स है, ये मैट्रिक्स विथ इलास्टिक फाइबर्स, और ये सारे दे आर कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, दे आर द कॉन्ड्रोसाइट्स इन लेक्यूने, दे आर द कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है सर, ठीक समझे। है सर। और ये शायद मेरे हिसाब से सेलुलर लेयर्स हैं, इनर सेलुलर लेयर होगी ये वाली जो इसके बाहर साइड ने दे रखी है। हाँ, दिस वन इज द इनर सेलुलर लेयर। ओके, तो ये आप लोगों ने देख लिया, एपिग्लॉटिस की स्लाइड दिखने में बड़ी अच्छी है पर बनाने में नहीं हाँ आती है। ओके ओके, सो ओवर टू यू सर। ठीक है सर। तो द फोर्थ क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक है सर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सर मीडियन नर्व डिस्कस करी थी। जी मीडियन नर्व में अप्लाइड जब बताया था तो उसमें बताया था मैंने कार्पल टनल, और अब ये पूरा एज ए शॉर्ट नोट ही आ गया है कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक है सर, तो इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जैसा कि मैं हमेशा कहता ही रहता हूँ, इंट्रोडक्शन देंगे। तो इंट्रोडक्शन में आप ये बताएंगे कि इसमें होता क्या है। तो होता क्या है, मीडियन नर्व इज इंजर्ड, जी मीडियन सर, नर्व इज इंजर्ड कहाँ जी सर, पे, इन द कार्पल टनल। तभी इसका नाम क्या है, कार्पल टनल सिंड्रोम, क्योंकि इसमें क्या होता है, मीडियन नर्व इज इंजर्ड इन द कार्पल टनल। ठीक है, जी सर, अब कार्पल टनल अपन कर तो रहे हैं, लेकिन ये होता क्या है, व्हाट इज कार्पल टनल, तो आप ये भी इसमें बता सकते हैं, कार्पल है। तो कार्पल टनल बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि कार्पल टनल क्या है। टनल तो है ठीक है, लेकिन इसकी बाउंड्रीज क्या है, मतलब किस किन से मिलके ये टनल बनी है, किससे मिलके टनल फॉर्म हुई है। ठीक है, तो इसमें आपको एक चीज तो देखने को मिलेगी, एंटीरियर कैविटी ऑफ कार्पस। अभी जो कार्पस मैंने लिखा है ये कोई बोन नहीं होती, कार्पस का मतलब है जितने भी कार्पल्स होते हैं ना, जिसका ओपन है, स्केफोइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रल, हेमेट, शी लुक्स टू टू प्रिटी प्रिटी ट्राई ट्राई टू टू कैच, कैचर। वो वाले। तो जो कार्पल्स हैं उनको सबको एक साथ अगर अपन कंसीडर कर रहे हैं, तो जो मतलब उनके ग्रुप्स को जो बोलेंगे ना, उनके ग्रुप को जो बोलेंगे वर्ड, वो टर्म होती है कार्पस। तो ओके जब आप एक आर्टिकुलेटेड हैंड देखना, या अपने में खुद के हैंड में अगर फील कर सको, तो कि जब अपन उन कार्पल्स को एक साथ उनकी जो एनाटॉमिकल पोजीशन है उसमें जब अरेंज कर देंगे, तो उनमें एक कैविटी बन जाएगी आगे की तरफ, एंटीरियर कैविटी, मतलब पाम साइड ऑफ हैंड की तरफ। ठीक है, तो वो जो कैविटी है उसके लिए बात की जा रही है कि कार्पल टनल की बाउंड्री बनाती है वो कैविटी। वन पार्ट तो ये हो गया, एंड द सेकंड बाउंड्री इज फॉर्म बाय द फ्लेक्सल रेटिनाकुलम। ठीक ठीक है सर, है सर, फ्लेक्सल हाँ हाँ बिल्कुल, रेटिनाकुलम ये इसकी बाउंड्री बनाता है। तो इससे मतलब अपने को पता चल गया कि हाँ भाई अपन कार्पल्स बोन और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के बीच की टनल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब
इन दोनों टनल के बीच में से क्या क्या स्ट्रक्चर, मतलब टनल तो बना ली, मतलब एम्प्टी स्पेस की तो बात अपन ने कर ली, अब उसमें से जाता क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं जो पास होती है? तो स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू कार्पल टनल, स्ट्रक्चर पासिंग, ये आप बताएंगे। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे नाइन टेंडन्स, नाइन टेंडन्स ऑफ, अब आगे की बात कर रहे हैं ना अपन, पाम साइड की, एंटीरियर की बात कर रहे हैं, तो फ्लेक्सर के मिलेंगे आपको, फ्लेक्सर, लॉन्ग फ्लेक्सर्स ऑफ हैंड इनको बोला हुआ है, जो कि मीडियम नर्व भी सप्लाई कर रही है, तो नाइन टेंडन्स ऑफ फ्लेक्सर है ना, फ्लेक्सर मसल, जी सर। और इनके साथ में अब इन टेंडन की अपनी अपनी साइनोवियल शीथ भी होगी, ताकि फ्रिक्शन नहीं हो, नौ चीजें, नौ तार एक साथ आपने पास तो कर दिए, पर उनमें आपस में फ्रिक्शन नहीं हो, इसलिए उनकी कवरिंग होनी चाहिए ना, तो वो यहाँ पे एक फ्रिक्शन फ्री, फ्रिक्शन को कम करने के लिए जो साइनोवियल कैविटी, साइनोवियल शीथ जो होती है उसकी कवरिंग होती है यहाँ पे, तो साइनोवियल शीथ भी मिलेगी आपको टेंडन के साथ में, ओके ओके सर। ठीक है, टेंडन मिल गए, उनकी साइनोवियल शीथ मिलेगी, प्लस आपको अपनी यहाँ पे मीडियन नर्व भी मिलेगी, इसकी अपन को बात करनी है आगे, मीडियन नर्व, ठीक है, तो ये आपने स्ट्रक्चर पासिंग बता दिया, ठीक है, अब आप बताएंगे, ये तो चलो आपने बता दिया कि अब यहां से नर्व भी निकल रही है, अब अपन को बात करनी कार्पल टनल सिंड्रोम की, तो सिंड्रोम क्यों हुआ वहां पे, क्योंकि कंप्रेशन हुआ है जी सर। मीडियम नर्व का, इंजरी हुई है, कंप्रेशन हुआ है, तो वो इंजरी के कॉजेस क्या क्या है, यानी कि आपको बताना पड़ेगा कॉजेस ऑफ, एक सेकेंड, ओके अब देता हूं मैं, कॉजेज ऑफ कंप्रेशन, किसका कंप्रेशन, मीडियन नर्व का कंप्रेशन, जी सर। कॉजेज ऑफ कंप्रेशन क्या क्या है, तो इसकी बात करूं मैं, तो देखो सबसे पहला जो कॉज है वो तो होता है टीनोसाइनोवाइटिस ऑफ फ्लेक्सर टेंडन्स, यानी कि फ्लेक्सर टेंडन की जो साइनोवियल शीथ है उसका आइटिस, आइटिस यानी इन्फ्लामेशन, तो उसकी वजह से क्या है, जगह तो लिमिटेड है और अंदर फ्लूइड फिल हो रहा है, इन्फ्लामेशन ऑफ फ्लूइड एक्यूमुलेट होएगा, तो उसकी वजह से वहां पे जगह कम पड़ रही है, तो वो कंप्रेशन हो रहा है मीडियल नर्व का, एक रीजन ये हो सकता है, एक रीजन हो सकता है मिक्सोडेमा, मिक्सोडेमा यानी डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉइड हॉर्मोन्स, वहां पे भी आपको स्वेलिंग दिखेगी, तो उसकी वजह से भी कंप्रेशन हो सकता है। तीसरा पॉइंट है रिटेंशन, रिटेंशन ऑफ फ्लूइड इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी होती है तो वहां पे आपके जो ये टेंडन्स है इनके बीच में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो सकता है, जिसकी वजह से भी कंप्रेशन हो सकता है, ठीक है, और जो आपकी बोन्स है कार्पस जो बोला है उसमें एक लूनेट बोन होती है, तो उसका फ्रैक्चर भी हो सकता है, तो फ्रैक्चर क्या, तो डिसलोकेट हो सकती है, तो वो भी मीडियन नर्व को दबा सकती है, ठीक है, इसके अलावा ऑस्टियो अर्थराइटिस ऑफ रिस्ट, यानी कि सारी कार्पल टनल में अगर ऑस्टियो अर्थराइटिस हो गया तो उसकी वजह से भी मीडियन नर्व के कंप्रेशन के चांसेस है, तो देर आर न्यूमेरस रीजंस, उनको आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कॉजेज ऑफ कंप्रेशन वाले पॉइंट में, ठीक है, अब आपने मीडियन नर्व दबा भी दी, अब बता दो कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स, आपको क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलेंगे, अब तो अब अपन बात करेंगे कैरेक्टर स्टिक फीचर्स की, ठीक है सर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं वो, ये दो बार आ गया सर कैरेक्टरिस्टिक, आपको मिलेगा एक तो, अब मीडियन नर्व की कंप्रेशन हुआ ना, तो मीडियन नर्व लेटरल 3.5 डिजिट्स को सप्लाई करती है, ये तो आपको पता ही होगा, लेटरल 3.5 यानी कि थंब, फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड लेटरल हाफ ऑफ रिंग फिंगर, तो इसी के डिस्ट्रीब्यूशन में आपको मिलेगा, इन्हीं फिंगर्स में मतलब पिंच एंड निडल सेंसेशन फील होगा, जी सर। निडल सेंसेशन इन लेटरल 3.5 डिजिट जी सर। डिजिट्स, इसके बाद आपको वीकनेस ऑफ थिनार मसल्स भी मिलेगी, वीकनेस ऑफ थिनार मसल्स, ये क्यों मिली, क्योंकि थिनार मसल्स को भी सप्लाई मीडियन नर्व ही करती है, थिनार मसल्स जो होती है वो थंब के लिए होती है, थंब के फ्लेक्चर्स, तो उन्हें भी सप्लाई कौन कर रही है, मीडियन नर्व, तो उनकी भी वीकनेस मिलनी मिलनी है, ठीक
इसके बाद आपको एब थंब डिफॉर्मिटी भी मिल सकती है। एब जी सर। थंब डिफॉर्मिटी, इसमें क्या होता है, जो बंदर के हाथ आपने देखे होंगे तो उसमें उंगलियां सारी चिपकी हुई और अंगूठा परपेंडिकुलर, तो बस वैसा ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एब थंब डिफॉर्मिटी में। और सर एक और पॉइंट है, याद रह जाए तो लिख देना, पॉजिटिव इनेल साइन एंड फेलन्स टेस्ट। एंड ये क्या होता है बताता हूं, बेसिकली ये मीडियन नर्व को कंफर्म करने का तरीका है फेलन्स टेस्ट, ठीक है सर। तो इसमें क्या होता है, पहले इसकी बात करते हैं टिनेल साइन की। टिनेल साइन में क्या होता है, जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता है ना, यानी कि रिस्ट के यहाँ पे, वहां पे अगर अपन परकशन करते हैं जी सर। यानी प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके जो पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं, यानी कि जैसे ये फर्स्ट वाला लो, पिंस एंड नीडल सेंसेशन इन लेटरल 3.5 डिजिट, ये ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाते हैं, उसको एकदम से झंझनाहट महसूस होती है उसी वाले एरिया में 3.5 डिजिट्स में। तो इसको तो बोलते हैं टिनेल साइन। अगर वो झंझनाहट, उसको एकदम से एग्जैगरेटेड सिम्टम्स महसूस हुए तो उसको तो बोल देंगे पॉजिटिव है भाई टिनेल साइन। तो ये भी बताता है कि भाई इसके कार्पल टनल सिंड्रोम है या मीडियन नर्व की इंजरी है। और फेलेंस टेस्ट में क्या होता है कि जैसे नॉर्मल हाथ जोड़ते हैं अपन, तो क्या मिलाते हैं अपन, पाम ऑफ हैंड्स को अप्रोक्सीमेट करते हैं, पाम ऑफ हैंड्स को जोड़ते हैं, नॉर्मल हाथ जोड़ते हैं। तो अगर अपन उल्टा हाथ जोड़े, मतलब डोर्सम ऑफ हैंड्स को जोड़ दें और रिस्ट को ऐसे अप्रोक्सीमेट कर लें, ठीक है, तब अगर पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स इंटेंसिफाई हो रहे हैं तो उसका मतलब भी उसमें मीडियन नर्व की इंजरी है और फेलेंस टेस्ट इज पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव टेलर साइन एंड फेलेंस टेस्ट इज ऑल्सो इंडिकेटर ऑफ मीडियन नर्व इंजरी, ओके सर। ठीक है। तो ये इसके कॉजेज ऑफ कंप्रेशन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अपन ने बता दिए, ठीक है सर। अब लास्ट ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो ट्रीटमेंट में आप बता सकते हैं, ट्रीटमेंट में इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, उसके ऊपर लॉन्गिट्यूडनल अलोंग द लेंथ लॉन्गिट्यूडनल इंसिशन दे देते हैं, ठीक है सर। लॉन्गिट्यूडनल इंसिशन, ठीक है सर। तो लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन देने की वजह से क्या होता है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की जो ग्रिप होती है वो कमजोर हो जाती है, मतलब वो कट चुका है ऊपर से, क्योंकि अब तो अपन ने जगह बढ़ा दी टनल में, ठीक जी सर। है, टनल में जगह बढ़ा दी, तो जो कंप्रेशन हो रहा था वो नहीं होएगा, तो जो पेशेंट की जो साइन एंड सिम्टम्स है वो इंस्टेंट उसे रिलीफ मिलता है, मतलब तुरंत उसको एकदम से ही ड्रामेटिकली रिलीफ मिलता है उसे, जैसे ही अपन ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पे कट लगा दें, ओके ओके सर। ठीक है सर। तो ठीक ये है इसका सर। सर्जिकल अप्रोच होती है। ठीक है सर। और सर फिर है डेवलपमेंट ऑफ टंग, सर ये ओवर टू यू। जी सर। तो डेवलपमेंट ऑफ टंग अगेन हिस्टोलॉजी। ठीक है, देखते हैं क्या पूछ रही है। सर एम्ब्रियोलॉजी, सॉरी, सर एम्ब्रियोलॉजी। ने इसको ज्यादा पढ़ ली। सर लॉजी तो है ना। हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। अपन टंग का जो डेवलपमेंट है वो दो भागों में पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो एंटीरियर टू थर्ड का डेवलपमेंट पढ़ेंगे एंड दूसरा अपन पढ़ेंगे पोस्टीरियर वन थर्ड का। ठीक है, प्लस प्लस सरकम वैलेट पेपल है। सरकम वैलेट पैपी ले। ठीक है, ओके। नाउ अब इसमें सवाल बहुत बढ़िया है। ये डेवलपमेंट ऑफ टंग तो ठीक है, नाउ इट इज आस्किंग इट टू कोरिलेट विथ इट्स नर्व सप्लाई। अब ये जी तो सर, सवाल ही वो कर पाएगा जिसको नर्व सप्लाई आती है, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ टंग तो ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सबका ही हुआ है। ठीक है, अभी भी हो जाएगा। पहले अपन डेवलपमेंट ऑफ टंग देखते हैं, उसके बाद देन वी विल कोरिलेट विद इट्स नर्व सप्लाई।
अच्छा एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग का डेवलपमेंट देखेंगे पहले, एंटीरियर 2/3 का, ठीक है। तो टू थर्ड का जब एंटीरियर टू थर्ड का जब अपन डेवलपमेंट देखेंगे, बहुत मज़ेदार डेवलपमेंट है इसका। जो पाउच होता है फर्स्ट ब्रेंकियल आर्च का, उस पे दो छोटे छोटे लिंगुअल स्वेलिंग्स डेवलप होते हैं। उन लिंगुअल स्वेलिंग्स के फ्यूजन से एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फर्स्ट ब्रेंकियल आर्च का पाउच, उसके अंदर क्या हुआ, लिंगुअल स्वेलिंग्स डेवलप हुए, दो लिंगुअल स्वेलिंग्स, उनके फ्यूजन से एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग का और वैसे होता है। फॉर्मेशन हुआ। वहां से ये शुरू होती है कहानी जो अपन को रटनी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ देखो रटना ही पड़ेगा, अब डेवलपमेंट ऑफ टंग देख तो सकते नहीं है अपन, ठीक है। चलो देखो, लिंगुअल स्वेलिंग से मतलब लिंगुअल स्वेलिंग्स जो कि फर्स्ट आज के पाउच में मिलते हैं, उनसे क्या बनता है, एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग, 2/3 ऑफ जीप, ठीक है। अच्छी, अच्छा लगा हमको ये सुन के, बहुत अच्छा लगा। पोस्टीरियर 1/3 और सर्कमवेलेंट पेपेले कैसे बनेगी। अच्छा अब जो थर्ड और फोर्थ आर्च जो होता है ना, थर्ड और फोर्थ आर्च, जी अच्छा सर, एक चीज भूल गया मैं, एंटीरियर टू थर्ड में एक माइल्ड कंट्रीब्यूशन होता है ट्यूबरकुलम इम्पायर से भी, क्योंकि वो देखो वैसे ही इम्पायर है, इम्पेयर्ड है, ठीक है ना। अब वो अपन उसका माइल्ड कंट्रीब्यूशन अगर नहीं बताएंगे तो बेचारा नाराज हो जाएगा, तो ऐसे किसी का हक नहीं छीना जाता। बिल्कुल बिल्कुल। ट्यूबरकुलम इन पार अब देखो ये क्या काम करता है मुझे पता नहीं है और ना किताब वालों को पता है, पर माइल्ड कंट्रीब्यूशन रहता है इसका, ठीक है। सॉरी इम्पायर जी, अब क्या करें, आपने माइल्ड काम ही कम किया, जिसको जिसने काम कम किया उसको मतलब उसकी तारीफ भी कम होगी, इम्पोर्टेंस बिल्कुल बिल्कुल। काम ज्यादा करते हो तारीफ ज्यादा होती। अब पोस्टीरियर जो 1/3 होती है ना, वो बनती है हाइपो ब्रेंकियल एमिनेंस से। अब आप लोग बोलोगे यार ये अब क्या नया नाम सुना दिया, हाइपो ब्रेंकियल एमिनेंस। तो हाइपोब्रेंकियल एविनेंस क्या बनता है, हाइपोब्रेंकियल एविनेंस थर्ड आर्च एंड फोर्थ आर्च से मिलकर बनता है, ठीक है। थर्ड आर्च एंड फोर्थ आर्च के फ्यूजन से मिलके बनता है हाइपोब्रेंकियल एविनेंस, और उसके भी क्रेनियल पार्ट से बनती है पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग एंड सर्कमवेलेट पेपेले, क्योंकि कॉडल से बनता है एपिग्लॉटिस। तो अपन एपिग्लॉटिस का डेवलपमेंट तो नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, पर मैं बता देता हूँ तब भी, भाई आप लोग बोलोगे कॉडल से क्या बनता है, जिज्ञासु लोग हैं आप, तो कॉडल से बनता है एपिग्लॉटिस और क्रेनियल से बनता है पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग एंड सर्कमवेलेट पेपेले। ओके बहुत अच्छा लगा हमको ये सुन के, पोस्टीरियर वन थर्ड। एम्ब्रियोलॉजी तो वैसे ही सबका फेवरेट सब्जेक्ट होता अरे तभी आते ही सब आ ही इसलिए रहे हैं। है। टंग बनता है हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस, ठीक है। अब ये तो नहीं लिखूं कि हाइपो हाइपोब्रेंकियल एमिनेंस इज फॉर्मड बाय फ्यूजन, चल लिख ही देता हूँ, फ्यूजन ऑफ थर्ड एंड फोर्थ आर्च। ओके तो उससे क्या बना, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग एंड सर्कमवेलेट पैपेले, और कॉर्डल से बनता है एपिग्लॉटिस। वो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, ताकि आप लोगों को बाद में परेशानी ना आए कि भाई ये कॉर्डल से क्या बना था, लिख लेना। तो अब मेरे को एक चीज़ बताओ आप, अपन इसको नर्व सप्लाई से कैसे रिलेट करें, ठीक है। क्योंकि सवाल इकलौता सवाल है जो ये थोड़ा घुमाए घुमाने की कोशिश करी है मास्टरों ने, ठीक है। अगर अपन पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग और सर्कमवेलेट पेपेले की देखते हैं,
तो इसके जनरल में नाइन्थ टेस्ट सेंसेशन कौन सी नर्व दे रही थी? नाइन्थ नर्व सर, नाइन्थ नर्व। और थर्ड आर्च की नर्व कौन सी है? थर्ड की भी वही है। ठीक है, जनरल एंड टेस्ट सेंसेशन। तो आप लोगों को समझ में आया, जब थर्ड आर्च और फोर्थ आर्च के फ्यूजन से अगर ये बन रहा था, अगर ये हाइपोब्रैंकियल एमिनेंस बन रहा है, तो आप समझो कि ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होगा क्रेनियल पार्ट में? थर्ड आर्च का होगा ना। बिल्कुल। थर्ड आर्च का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो आप कुछ समझ लो कि भाई हाउ थर्ड आर्च की नर्व कौन सी है। ग्रोसोफेरेंजियल नर्व ना, बिल्कुल सर। और वो जनरल एंड टेस्ट सेंसेशन टू एंड पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ टंग दे रही है। तो हमने रिलेट कर लिया ना इसको इसकी नर्व सप्लाई से। बिल्कुल सर। ठीक है, अब देखो इसको लिखना मुझे भी नहीं आता, तो लिख लेना। इसमें फिर नर्व सप्लाई भी बता देंगे साथ में। हाँ, नर्व सप्लाई बता देंगे, क्योंकि थर्ड अभी मैं लिख देता हूँ, आप सब निराश ना होए, पहले बता देता हूँ। अब अपन चलते हैं एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग पे। तो सर एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग की क्या थी सर नर्व सप्लाई, कुछ आइडिया है आपको सर? अलग अलग थी उसमें, जनरल और टेस्ट के लिए। हाँ तो सर कुछ बता दो। जनरल जनरल तो सर लिंगुअल नर्व, हाँ, और टेस्ट की कोडा टिम्पेनी थी। ठीक है ना सर। तो जनरल एंड टेस्ट, टेस्ट टेस्ट की कौन सी थी? कॉर्डा टेम्पनी है ना, सेवन सेवन। तो कॉर्डा टेम्पनी कहाँ, किस किस आर्च की नर्व है? फर्स्ट फर्स्ट। और लिंगुअल स्वेलिंग्स कहाँ से आई थी? फर्स्ट और लिंगुअल स्वेलिंग्स ने क्या बनाया था? एंटीरियर टू थर्ड। ऑफ टंग। ठीक है सर, बैठ गया ना, मतलब बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल कोरिलेटेड तो है। कोरिलेटेड है ना। तो अब बस अपन सर लिखें क्या? नहीं सर, अब तो अंडरस्टूड है। आप अलग से नर्व सप्लाई लिख दो एक बार, तो वो पूरा एक फॉर्मेट हो जाएगा। नर्व सप्लाई, ओके, नर्व सप्लाई में लिख देता हूँ भाई, जनरल एंड टेस्ट सेंसेशन ऑफ पोस्टीरियर वन थर्ड इंक्लूडिंग सर्कम वैलेट पेपिले। ठीक है, तो सर इसका क्या था? इसकी थी नाइन्थ नर्व, जो कि नाइन्थ नर्व इज द नर्व ऑफ विच आर्च? ये किस आर्च की नर्व है? यह है थर्ड आर्च की नर्व, ओके। थर्ड एंड टेस्ट सेंसेशन सेंसेशन ऑफ एंटीरियर वन थर्ड इज बाय कॉर्डा टिम्पेनी। सही है ना सर? बिल्कुल सर। विच इज अ नर्व ऑफ फर्स्ट आर्च। ठीक है, तो सर ये मेरे हिसाब से सवाल कंप्लीटेड है, और अगला सवाल भी सर मेरे पास ही है ना। तो सर डिस्क्राइब कैवर्नस साइनस अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। ओके, कैवर्नस साइनस पढ़ेंगे अब अपन। तो मेरे को ये मेरे हिसाब से नया सवाल आया सर, पहले नहीं आया अभी तक। हाँ सर, बाकी केवल साइंस भी इम्पोर्टेंट है। न्यूरो कैवर्नस साइनस, साइंस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कैवर्नस साइनस पढ़ेंगे अपन। रिलेशंस ऑफ कैवर्नस साइनस बहुत जरूरी है। क्या लगते हैं आप लोगों को रिलेशंस? सर, ओके, एंटीरियर। ठीक है, पहले अपन एक्सटेंट की बात कर लेते हैं सर इसमें ना। तो एंटीरियर एक्सटेंट इज सर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर फिशर। ठीक है, पोस्टीरियर एक्सटेंट इज एपेक्स एपेक्स ऑफ पीट्रस टेम्पोरल बोन। एपेक्स ऑफ पीट्रस टेम्पोरल बोन, ओके, अच्छा लगा सुन के। समझ में नहीं आया, पर सुन के अच्छा लगा। समझने के लिए सर किताब पूरी पढ़नी पड़ेगी। लेटरल लेटरल में देखो, थर्ड नर्व, फोर्थ नर्व और फिफ्थ
फिफ्थ नर्व का फर्स्ट पार्ट, थर्ड नर्व ठीक है, फोर्थ नर्व एंड फिफ्थ नर्व का फर्स्ट पार्ट आप लोग हमको बताएंगे इसका नाम क्या होता है उसमें। और इसमें लेटरल रिलेशन का मतलब ये भी है कि कई बार इसे ऐसे भी कह देते हैं कि ये लेटरल वॉल में होते हैं केवर्नस साइनस की, हाँ उसका मतलब भी वो रिलेटेड ही है, एक ही बात है, या तो केवर्नस साइनस के लेटरल बोलो या केवर्नस साइनस की लेटरल वॉल में बोलो। वॉल में बिल्कुल ठीक है। और अनकस्प इधर ही होता है, फ्लोर फोरामेन लेसरम। अच्छा ये जैसे आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो क्या है, तो सर ने वीडियो डाल रखी है इसके ऊपर, सर मेरे साथ तो डाल रखी है आपने ड्यूरल वेनस साइनसिस पर, सर ये शायद आपकी वीडियो है सर, है सर मतलब अपने चैनल पे, सर लिंक अपन यहाँ पे डाल देंगे हाँ कार्ड में, ठीक है तो ये जरूर आप लोग ये वीडियो देख लें जाके, तो आपको समझ में आ जाएगा भाई ये बल्ला चल क्या रहा है, कर क्या रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब जैसे हमने फ्लोरो फोर्थ वेंट्रिकल के लिए कहा है वो बार बार आया क्वेश्चन में, इस वाले पेपर में भी है, इसके पहलों में भी, इसी तरह से केवर्नस साइनस जो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको डिटेल में पढ़ना मतलब मस्ट है, एक बार यू मस्ट गिव इट अ वॉच। बिल्कुल पिट्यूटरी ग्लैंड है मीडियल में, पिट्यूटरी ग्लैंड है तो ऑब्वियसली एक चीज मिल जाएगी इसके साथ फ्री आती है वो सेला टर्सिका, ठीक है, और स्फीनोइडल एयर साइनस, ठीक है स्फीनोइडल एयर साइनसिस, ठीक है ये इसके आ गए मीडियल वॉल में। इनसाइड क्या है कैवर्नस साइनस के अंदर, अंदर अंदर की बात क्या है, ठीक है आईसीए एंड सिक्स्थ नर्व। अब आप लोगों को मैं बताऊं एक और चीज रह गई इसके अंदर, रह गया फ्लोर हो गया, अब रूफ तो बताएं, सब कुछ तो बता दिया, रूफ रूफ भी इसकी आईसीए से बनती है और एक और से ऑप्टिक काइस्मा। अब काफी लोग बोलते हैं कि भाई ये काफ़ी जगह आप लोगों को देखने पड़ेगा मिलेगा कि भाई एग्जोप्थैल्मस हो जाता है कैवर्नस साइनस में, कुछ होता है जिसको बोलते हैं कैरोटिडो कैवर्नस फिस्टुला, उसकी वजह से एग्जोप्थैल्मस हो जाता है। अब ना बिल्कुल सर, हमको ये पता नहीं कि भाई क्या है कैरोटिडो कैवर्नस फिस्टुला क्या है, वी डोंट नो। आईसीए आपने देखा कि अंदर भी है और आईसीए रूफ में भी है, तो जो आईसीए अंदर होती है ना ये काफी बार क्या हो जाता है इसमें भड़ाम हो जाता है, रप्चरिंग रप्चरिंग ठीक है, तो उससे फिस्टुला बन जाता है कैरोटिडो कैवर्नस फिस्टुला। तो अगर जब ये पल्सेट करती है ना ये आईसीए, तो वॉल्स ऑफ जो कैवर्नस साइनस है ना ये भी पल्सेट करते हैं इसके साथ में, पल्सेशन फील कर सकते हैं इसके साथ में। और अगर आप देखो तो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर इसके एंटीरियर रिलेशन में तो एक्सटेंड में ही तो है, बिल्कुल सर, तो अगर उसकी वॉल में कोई पल्सेशन आएगी तो वो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में भी तो पल्सेशन आएगी, हां सर, जब ऑर्बिटल फिशर में पल्सेशन आई देन देयर विल बी एक्सोप्थैल्मस। अब एक्सोप्थैल्मस क्या होता है, एक्सोप्थैल्मस मींस जो आंख है जो आप काफियों के फोड़ने के पीछे पड़े रहते हैं वो बाहर आ जाए, प्रोट्रूजन होता है मतलब आईबॉल का, प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल, ठीक है ओके जी सर, ये तो इसके मेरे हिसाब से रिलेशंस हो गए। अब कम्युनिकेशंस, ओके सर कम्युनिकेशंस में मेरे हिसाब से आउटगोइंग चैनल्स और इनकमिंग चैनल्स बताने चाहिए, बिल्कुल सर एग्जैक्टली ओके, तो कम्युनिकेशंस में इनकमिंग चैनल्स एंड आउटगोइंग चैनल्स बताएंगे इसके, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये भी इसकी स्टोरी भी, ठीक है इनकमिंग चैनल्स ट्रिब्यूटरीज
तो ऑर्बिट, मेनेंजेस और ब्रेन, ठीक है। तो सुपीरियर ऑर्बिट से तो होंगी इसकी, ऑर्बिट से सुपीरियर ऑप्थैल्मिक वेन, ऑप्थैल्मिक वेन, ठीक है। इन्फीरियर वेन एंड सेंट्रल वेन ऑफ रेटाइना। जी सर। दूसरी चीज कि मेनेंजेस, मेनेंजेस से स्फिनोपराइटल साइनस एंड मिडल मेनेंजियल साइनस, ठीक है सर, बिल्कुल और ब्रेन, खोपड़ी, जो अभी कुछ की चल रही है बहुत ज़्यादा, सुपरफिशियल मिडल सेरेब्रल वेन, वेन एंड इन्फीरियर सेरेब्रल वेन, ठीक है, ओके, एंड आउटगोइंग चैनल्स। आउटगोइंग चैनल्स में आ जाएगा सुपीरियर पेट्रोसल साइनस, साइनस, इंफीरियर पेट्रोसल साइनस और सुपीरियर ऑप्थैल्मिक वेन। हाँ ये दोनों में आती है, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों चैनल्स में। हाँ सर एक बार आउटगोइंग चैनल्स को हाईलाइट कर देना, बिल्कुल सर। सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक मेन, ये दोनों में आती है, इसमें वेल्स नहीं होते हैं ना। इट इज अ काइंड ऑफ यू कैन से इमेज इमेज रे वेन। तो हाँ इसमें वॉल्स नहीं होते, तो इसमें बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है अपने और ब्लड का। अपन अप्लाइड की बात करेंगे, तो अप्लाइड की बात अपन कर भी चुके हैं, ठीक है, और कुछ कर भी लेंगे, क्यों सर? बिल्कुल सर, वो एक ही बात है, मतलब जो आपने वहां रिलेशन में बता दी थी वही है। तो वही रखें या और भी कुछ बताएं? वो तो बताओ सर, पॉइंट तो लिखो, वो तो बता ही दूं। या वहां लिखा हुआ नहीं है ना, मेंशन नहीं किया हाँ है, यहाँ हाँ पे ड्रॉप मेंशन कर कर देते दो, हैं, एक सेकेंड। मिस नहीं हुआ था कि। हाँ बिल्कुल, किस किस को अमेरिका जाना पसंद है ये बताओ पहले। नहीं सर आई एम सीरियस, मैं भेज नहीं रहा किसी को, मैं पैसे नहीं देने वाला। कैरोटीटो, कैवर्नस, फिस्टुला। सर मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच क्वेश्चन था ये अमेरिका का। तो अच्छा हाँ सर, फिर तो लाओ मेरे को भेजो। बिल्कुल आपको भेजें, चलो ये सर, तो वापस मैं बता नहीं रहा, ठीक है, ओके। सर अगर थ्रोम्बोसिस हो जाएगा ना कैवर्नस साइनस में, ठीक है, तो वो सेप्टिक इन्फेक्शंस कर देता है डेंजरस एरियाज ऑफ फेस में, अच्छा। ठीक है, और वो एरियाज होते हैं अमेरिका। हो तो सर, इतनी देर से मतलब आप निमोनिक बता रहे थे। हाँ USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है ये, ठीक है, यह है अपर लिप, सेप्टम ऑफ नोज एंड एडजॉइनिंग एरिया ऑफ चीक एंड पैरानेजल एयर साइनस। वाह सर वाह, गजब। इसके लिए भाई तालियां और वो लाइक बनता है ना, देख लो भाई बैठे बैठे अमेरिका घुमा के आ रहा हूँ तुमको यार, शर्म करो भाई। नंबर और आ रहे हैं। हाँ नंबर भी आ रहे हैं, घूम के भी आ रहे हो, लाइक 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 लाइक, और वो सब्सक्राइब भी है ना, वो ऐसे, और सुनो जिसने कर दिया है वो वापस मत दबा देना। पता बड़ा करने के बजाय कम हो गए हमारे, ठीक है, तो लिख देता हूँ मैं, देखो
थ्रोम्बोसिस ऑफ, नहीं ऐसे नहीं, जो जोश में वापस दबा दो भाई, खत्म हो गया ओके सर, हमारे ऊपर हमारा ही जोक भारी पड़ जाए। सही बात है सर। जो थ्रोम्बोसिस ऑफ कैवर्नस साइनस है ना, ये सेप्टिक कैन कॉज सेप्टिक इन्फेक्शंस, सेप्टिक इन्फेक्शंस इन डेंजरस एरियाज ऑफ फेस, एरियाज ऑफ मुखड़े के, ठीक है, जिसको अपन यूएसए से बोल रहे हैं, यूएसए, यूएसए। ओके तो देखो भाई, एम्बेसी वालों कोई वो नहीं हो रहा इधर, सही एडवर्टाइजमेंट नहीं है ये। सेप्टम ऑफ नोस एंड क्या बोलेंगे अपन, एडजॉइनिंग एरिया ऑफ चीक, एरिया ऑफ चीक एंड पैरा नेजल साइनस, ठीक है सर। और थ्रोम्बोसिस वाले में एक और चीज़ बताऊंगा, जो थ्रोम्बोसिस वाली बात करी थी अपन ने कैवर्नस साइनस में, आँख में दर्द भी बहुत होता है, एग्जोप्थैल्मस, देखो सीधी बात है भाई, एग्जोप्थैल्मस होगा तो आँख में दर्द होगा है ना, और इडिमा भी होता है आईलेट्स में, तो अगर कोई पेशेंट आए आपके पास जिसकी आंखें बाहर निकली हुई हो, तो उसको डांटना नहीं है कि भाई ऐसे आंखें बाहर निकाल के क्या देख रहा है मुझे, वो बेचारा परेशानी में आया है ना, परेशानी समझे उसको, चाय पानी इतना इतनी मत समझे ना कि चाय पानी ऑफर कर दो। एक चीज़ होती है आर्टेरियो वेनस एन्यूरिज्म करके, बड़ा नाम है ठीक है मैं जानता हूँ, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के रप्चर की वजह से ही होती है, वो ये सेम कहानी है भाई, ठीक है। इसमें सिस्टोलिक थ्रिल आता है, लाउड सिस्टोलिक थ्रिल आता है, और यूनिलेटरल पल्सल पल्सेटाइल एग्जॉपथैल्मस, यूनिलेटरल है इसमें ये वर्ड, यूनिलेटरल ठीक है, एक साइड। ओके ये तीसरी और चीज मैं लिख देता हूँ, बड़ी अच्छी है ये, आर्टेरियो वेनस बहुत एन्यूरिज्म। भारी भारी वर्ड हो गए सर ये तो। सर अब क्या करें, अब वो टीचर को अच्छा लगता है ना ये, चाहे एन्यूरिज्म का ही मतलब नहीं आता हो बच्चे को, पर लिख रहा है तो बस 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 वही बढ़िया है। चलो ठीक है सर, ओवर टू यू। ठीक है सर। तो अगेन सर लगातार तीसरी बार राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ए लाइक क्राइमल अपरेटस। ठीक है सर, मेरे पास सर क्वेश्चन शॉर्ट ही आते हैं सर सारे। वो सर ठीक है मेरे तो पास भी लाइक शॉर्ट ही आते हैं, वो मैं बकवास करके बड़ा कर देता हूँ उसको। ठीक है सर। हाँ तो लैक्रिमल अपरेटस के लो, नेजो लैक्रिमल अपरेटस के लो, बात एक ही है। अलग अलग नाम बदल के क्वेश्चन आता रहता है अलग अलग बेस में, पर हमारे सब्सक्राइबर्स इसे बेनकाब कर देंगे। ठीक है बिल्कुल सर, बिल्कुल इसे मतलब पहचानने में भूल नहीं करनी है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट हेडिंग्स हैं जिनके बारे में आपको बताना है इस क्वेश्चन में, तो वो मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो आप अभी अपरेटस है तो इसके कंपोनेंट्स के बारे में बताएंगे आप। सबसे पहले तो कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स इसमें दो तरह से हैं। एक तो है ऑर्बिटल पार्ट, पहले तो नाम से तो समझ में आ गया ना, टीयर्स से रिलेटेड अपरेटस है, आईज में जो टीयर्स आते हैं उनसे रिलेटेड है। तो उसके लिए सबसे पहले एक तो होता है ऑर्बिटल पार्ट, ऑर्बिटल पार्ट। ठीक है, अब ऑर्बिटल पार्ट क्या होता है कि जो जाइगोमेटिक बोन होती है उसकी एक फ्रंटल प्रोसेस होती है, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन, उसकी जो मीडियल सरफेस होती है वो बनाती है ऑर्बिटल पार्ट, नेसो लेक्राइमल अपरेटस या लेक्राइमल अपरेटस का। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं जाइगोमेटिक बोन। ठीक है, जाइगोमेटिक बोन। इसके बाद एक सेकंड कंपोनेंट जो है इसका वो है पाल्पेब्रल पार्ट, पाल्पेब्रल पार्ट। ठीक है सर, तो ये बिल्कुल जो बिल्कुल पाल्पेब्रल पार्ट है ये होता है जो मसल होती है एलपीएस, लिवेटर पाल्पेब्रे सुपीरियोरिस, तो उसके नीचे अंडरलाय करता है, फ्लैट होता है। ठीक है, तो ये हो गया पाल्पेब्रल पार्ट। अब इसके आपने मतलब कंपोनेंट्स खत्म हो गए अपने। ठीक है, पाल्पेब्रल पार्ट के लिए मैं लिख देता हूँ एलपीएस।
लिबरेटर पालपेब्रल सुपीरियोरिस, तो ऑर्बिटल पार्ट पालपेब्रल पार्ट, ये इसके कंपोनेंट्स होते हैं। अब इसका फंक्शन बताएंगे अपन कि ये अपरेटस अपने पास होता है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस याद करने के लिए मुझे याद है सर ने एक निमोनिक बताया था मुझे, टीयर्स। भाई ये तो अपन सबको पता है कि ये जो ऑपरेटर्स है ये टीयर्स के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। अब इसके सारे फंक्शंस भी टीयर्स में छुपे हुए हैं। अब देखना टीयर्स में कैसे छुपे हुए हैं। टीयर्स का सबसे पहले ले टी, ठीक है। तो टी स्टैंड्स फॉर मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी, यानी बिल्कुल कि ये जो ऑपरेटर्स है ये कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करता है। तो इट मेंटेन्स मेंटेन्स ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। ई ई इज फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, एक्सप्रेसेस इमोशंस इमोशंस, ठीक है। इसके बाद ए ए इज फॉर एक्ट एज बैक्टीरिसिटल, आर स्टैंड्स फॉर इट रेंडर्स नरिशमेंट टू कॉर्निया, रेंडर्स नरिशमेंट, टू कॉर्निया नरिशमेंट, ठीक है। एंड एस फाइनली स्टैंड्स फॉर कीप्स द सरफेस मॉइस्ट, कीप्स सरफेस मॉइस्ट, जी सर ठीक है सर। तो ये इसके फंक्शन बता दिए अपन ने। अब कंपोनेंट हो गए सर, फंक्शंस हो गए। अब इसके बाद अगला आप बताएंगे कंजक्टाइवा के बारे में थोड़ा सा। कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवा क्या होती है? इट इज द ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन, ये सबको पता है, कवरिंग द स्क्लेरा एंड लाइनिंग ऑफ इनर सरफेस ऑफ आईलिड। स्क्लेरा जो होता है व्हाइट पार्ट ऑफ आई, उसको कवर करती है कंजक्टाइवा, और ये जो आईलिड होते हैं उनकी इनर सरफेस को भी लाइन करती है, ठीक है सर। ट्रांसपेरेंट होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। तो ये कंजक्टाइवा के बारे में आपने बता दिया। इसके बाद आप बता सकते हैं लेक्राइमल सैक के बारे में। लेक्राइमल सैक क्या होता है सर? ये 12 बाय 5 mm का एक सैक होता है, और फिर इसके रिलेशंस के बारे में आपको बताना है कि यहाँ से सीक्रेट होता है वो ठीक है, पर इसके रिलेशंस जो है वो बोन के रिलेशन और मसल के रिलेशन जो होते हैं वो आप इसमें बता सकते हैं लेक्राइमल सैक में। इसके बाद आप बता सकते हैं नेजो लेक्राइमल डक्ट के बारे में, नेजो लेक्राइमल डक्ट या लेक्राइमल डक्ट जिसे कहते हैं उसके बारे में, कि इसकी लेंथ होती है 18 mm, ये लेक्राइमल सैक से स्टार्ट होती है और नोज में जाके ओपन होती है। नोज में कहाँ पे? इन्फीरियर मिएटस, सॉरी, इन्फीरियर मिएटस ऑफ नोज में जाके ओपन होती है, और इसकी ओपनिंग पे एक वॉल भी होता है जिसको बोलते हैं वॉल ऑफ हेंसनल। तो ये डिटेल आप इसमें बताएंगे नेसो लेक्राइमल डक्ट। इसके बाद अब ये अपरेटस है तो इसकी अपनी ब्लड सप्लाई भी होगी, तो आप इसमें ब्लड सप्लाई बता सकते हैं। ब्लड सप्लाई इज बाय लेक्राइमल ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी, लेक्राइमल ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ठीक है सर। ब्लड सप्लाई अपन ने बता दी। इसके बाद अपन बताएंगे इसकी नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई में क्या है कि सेंसरी इज बाय ट्राइजेमिनल नर्व, भाई फेस का एक पार्ट है और फेस पे सारा काम किसका है? ट्राइजेमिनल का। सेंसरी तो ट्राइजेमिनल से, बिल्कुल सर ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व एंड रेस्ट अदर थिंग्स, मतलब पैरासिम्पेथेटिक एंड सीक्रेटो मोटर जो है वो फाइबर, मतलब जो पैरासिम्पेथेटिक होते हैं बेसिकली वही इसके सीक्रेटो मोटर फाइबर है, क्योंकि पैरासिम्पेथेटिक स्टिमुलेशन से टीयर्स जो है वो सीक्रेट होंगे, तो जी सर इसलिए इसे बोला सीक्रेटो मोटर, ठीक है। तो जी सर ये नर्व सप्लाई आपने बता दी। इसके बाद अप्लाइड मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसके पॉइंट्स हैं ये आप जाके देख लेना अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। तो डिफरेंट पॉइंट्स है तीन, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है डेक्रो डेक्रायो
एडिनाइटिस, एक होता है डेक्रायोसिस्टेक्टोमी, सिस्टेक्ट, और एक होता है एपिफोरा, एपिफोरा। तो बेसिकली ये लेकर आया, मतलब अपरेटस का बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, इन्हीं पार्ट में इसका आंसर माना जाता है स्टैंडर्ड। तो ये आप याद रखें, इन इन पॉइंट्स को आप बता दें तो जी आपका सर, आंसर जो है कंप्लीट माना जाएगा। ठीक जी सर, है सर, जी सर, तो इसके बाद पार्ट बी जो है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया ही है, लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम ऑफ वेलेनबर्ग। अब सर इसमें मेडुलरी सिंड्रोम है यानी कि मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ठीक है सर। अब ये इंटरेस्टिंग ऐसा है कि एक तो बच्चे को ये भी आना चाहिए कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के टीएस में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, और फिर ये सिंड्रोम है यानी उन स्ट्रक्चर्स की एबनॉर्मलिटी है, सर एक सूंड से दो तो निशाने। ऐसे दो निशान है, तो वो स्ट्रक्चर तो पता ही होने चाहिए आपको। फिर उसमें भी मीडियल को होने, लेटरल की बात हो रही है यहाँ पे, सारे स्ट्रक्चर्स भी इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेटरली होंगे क्या, लेटरल के बाद उनका फिर एबनॉर्मलिटी हो रही है उनमें, तो क्या अप्लाइड आपको दिखना है। तो इसके लिए सर ये डायग्राम दिखाना सर, सबसे पहले तो जी सर, आपकी स्क्रीन पे डायग्राम दिखाना सर सबसे जी पहले। सर, तो ये डायग्राम में आपको सबको दिख रहा होगा कि ये एक टीएस है बेसिकली, मेडुलर मेडुला ऑब्लोंगेटा का, ठीक है। तो इसमें आपको फोकस करना है लेटरल एस्पेक्ट में, जहां पर रेड कलर की बाउंड्री हो रही है ना, इसके बाहर बाहर लेटरल साइड में, ये एरिया इफेक्टेड वाइस वेलेनबर्ग सिंड्रोम में, जिसको लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम भी बोलते हैं, अच्छा सर, ठीक है। अब इस डायग्राम से हमें क्लियर है कि यहाँ पे हमें किस किस की क्या क्या स्ट्रक्चर से जो अफेक्टेड हुए हैं। एक तो ये आईसीपी, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, ये अफेक्टेड हुआ है। एक है वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, ये अफेक्टेड हुआ है। न्यूक्लियस एम्बिगुअस अफेक्टेड है, सिंपेथेटिक ट्रैक्ट अफेक्टेड है, स्पाइनल न्यूक्लियस एंड ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, यानी कि ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस इफेक्टेड हुआ है, और एक ही आगे आगे क्या है, स्पाइनल लेमिनिस्कस, ये सारी चीजें हैं जो इफेक्टेड हुई है। तो इनको सर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो जो चीजें इफेक्टेड है, तो इसमें बस यही बताना है, मतलब कि लेटरल पार्ट ऑफ मेडुला का सिंड्रोम है, तो इसमें जो स्ट्रक्चर्स अफेक्टेड है वो ये है, और डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। तो स्ट्रक्चर्स ये सर दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूँ जी सर, अफेक्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं आईसीपी की, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, ठीक है सर। सेरिबेलम में तीन पेडंकल होते हैं, उनमें से ये लास्ट वाला है इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। तो जब ये इफेक्टेड होगा, जब इसकी कोई डैमेज होगी, तो जो पेशेंट है उसमें आपको इप्सिलेटरल अटैक्सिया देखने को मिलेगा, ठीक है सर, इप्सिलेटरल अटैक्सिया। इसके बाद आपको डायग्राम से पता है कि वेस्टिबुलर न्यूक्लियस इज ऑल्सो अफेक्टेड, यानी कि वेस्टिबुलर सर कौन सी नर्व होगी सर, ये एर्थ नर्व का न्यूक्लियस है, और वो बैलेंसिंग वगैरह के लिए काम आता है वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। तो पेशेंट में क्या दिखेगा, वर्टिगो दिखेगा, वर्टिगो। इसके अलावा वोमिटिंग दिख सकती है, वोमिटिंग, और एक और निस्टैग्मस, ये भी आपको पेशेंट में दिखेगा। जी सर, इसके अलावा सर, अब इसके बाद क्या आया था सर, न्यूक्लियस एम्बिगुअस था ना, तो न्यूक्लियस एम्बिगुअस के लिए तो एक पेटेंट लाइन अपने वीडियो में आपको मिल गई होगी, इप्सिलेटरल बल्बर पैरालिसिस एंड लॉस ऑफ गैग रिफ्लेक्स, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे न्यूक्लियस एम्बिगुअस की एबनॉर्मलिटी में, इप्सिलेटरल बल्बर पैरालिसिस। लेकिन ये मेडुला ऑब्लोंगेटा वाला है, इसलिए स्पेरिंग द टंग मसल्स, यहाँ पे टंग मसल्स जो है उनका कोई भी पैरालिसिस, कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं होगी, बाकी लॉस ऑफ गैग रिफ्लेक्स तो होगा, ठीक है सर। इसके बाद आते हैं अगले पे, जो कि था सिंपेथेटिक ट्रैक, सिंपेथेटिक ट्रंक कह लो, सिंपेथेटिक चेन कह लो, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग। सिंपेथेटिक ट्रंक के अगर लीजन होगा तो सर मिलेगा हॉर्नर सिंड्रोम, जी सर, इप्सिलेटरल हॉर्नर सिंड्रोम, ठीक है सर, ये भी वेलनबर्ग में आपको मिलेगा। इसके अलावा उसके बाद था ट्राइजेमाइनल न्यूक्लियस सर, फाइनल न्यूक्लियस ऑफ फिफ्थ नर्व, फिफ्थ को मैं ट्राइजेमाइनल लिख रहा हूं, ट्राइजेमाइनल,
तो ट्राइजेमाइनल नर्व, अब ट्राइजेमाइनल सप्लाईज फेस रीजन, ये सर। तो जब लीजन होगा तो इप्सिलेटरल इप्सिलेटरल लॉस होगा पेन और टेम्परेचर का, पेन एंड टेम्परेचर इप्सिलेटरल, यहां लॉस भी लिख देता हूं, लॉस ऑफ पेन, पेन प्लस टेम्परेचर, कहां से? बॉडी से नहीं, फेस से। जी सर, ठीक है सर। जी सर, और एक और लास्ट स्ट्रक्चर जो हमने देखी थी वो थी स्पाइनल लेमिनिस्कस। तो स्पाइनल लेमिनिस्कस जब इफेक्टेड होगी तो आपको मिलेगा कॉन्ट्रालेटरल लेमिनिस्कस, यानी कि क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, तो जो इफेक्ट होगा वो कॉन्ट्रालेटरल होगा, कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ, ये भी पेन और टेम्परेचर के लिए है, पेन प्लस टेम्परेचर, पर ये फेस से नहीं है, इट इज फ्रॉम द बॉडी। ओके ओके सर, ठीक है सर। तो इसमें भी कॉन्ट्रालेटरल होगा लॉस पेन और टेम्परेचर का, पर कहां से? बॉडी से। जी। तो मतलब अपन ने सारे इफेक्टेड स्ट्रक्चर्स देख लिए और उन इफेक्टेड स्ट्रक्चर से होने वाला फिर कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, ये सब देख लिए। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको इस आंसर में लिखनी होगी और ये डायग्राम बनाना होगा मेडुलरी सिंड्रोम का। जी सर, ठीक है सर, ओवर टू यू। जी सर, सर अगला क्वेश्चन है मसल्स ऑफ लैरिंग्स विद देयर नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई, तो सर मेरे हिसाब से नर्व सप्लाई तो सबको आती होगी, नर्व सप्लाई में ऐसा कुछ मिलता नहीं है देखने को, है ना। तो पहले तो मैं मसल्स बता देता हूँ, है ना। तो मसल्स ओरिजिन इंसर्शन बहुत इजी है इसका, बाकियों के हिसाब से तो मेरे को इजी लगता है, बाकियों का पता नहीं, देखो मैं अभी इजी सबके लिए कर दूंगा। पोस्टीरियर, पोस्टीरियर क्रिको टीनॉइड। अब इसके ओरिजिन इंसर्शन में सर ऐसे सोचना होता है, ऐसे अपन को बनना होता है, या ऐसा ऐसा दिमाग चलाना होता है कि अपन वो उस बच्चे की तरह है जिसने कुछ नहीं पढ़ा और वो टीचर के सामने खड़ा हो गया और उससे इस मसल का ओरिजिन इंसर्शन पूछ लिया। तो सर उसका दो ऑप्शन है, या तो चुप रहे, आखिरी सवाल है, टीचर आखिरी सवाल पूछ रहा है ना, या तो वो चुप रहे या कुछ भी बोल के कुछ तो ले जाए, चुप रहे या सॉरी बोल दे, सॉरी बोल दे या कुछ भी बोल के, है ना, एक दो नंबर ले जाए, क्योंकि उसने पहले भी कोई सवाल नहीं बताया, आखिरी सवाल है, कम से कम पास ही हो गए। तो अब अपन को उस बच्चे की तरह सोचना है कि बस पास होना, ठीक है, कैसे? अब वो बच्चा क्या भूलेगा भाई, क्रिको एरेटिनॉइड, एक क्रिकॉइड कार्टिलेज दिख रही है इसको, एक एरेटिनॉइड दिख रही है, तो ओरिजिन हो गया पोस्टीरियर सरफेस ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज और इंसर्शन हो जाता है मस्कुलर प्रोसेस ऑफ एरेटिनॉइड कार्टिलेज, ठीक है ना सर? ओके, सो नेक्स्ट है लेटरल क्रिको एरेटिनॉइड। सर आवाज आ रही है ना? हाँ सर। हाँ सर, तो अब सर ये भी लगभग सेम ही केस बैठ रहा है, बस इसमें ओरिजिन जो होता है इसका वो अपर बॉर्डर ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज से होता है और इंसर्शन होता है मस्कुलर प्रोसेस ऑफ एरेटिनॉइड कार्टिलेज से, कार्टिलेज पे। तो दोनों का इंसर्शन तो सेम है, ओरिजिन थोड़ा डिफरेंट है, तो आप ओरिजिन इंसर्शन लिखना है तो जो भी सुन रहा है वो लिखता जाए साथ साथ में वीडियो पॉज करके, ठीक है ना। तीसरी मसल आती है इसमें क्रिको थायरॉयड, भाई क्रिको थायरॉयड ओरिजिन कहाँ से होगा, फिर क्रिकॉइड कार्टिलेज, तो आर्च ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज, और इंसर्शन कहाँ के कहाँ पे होगा, इन्फीरियर हॉर्न ऑफ थायरॉयड कार्टिलेज। अच्छा, पोस्टीरियर क्रिको एरेटिनॉइड और एंटीरियर क्रिको एरेटिनॉइड में आप एक एक पॉइंट और लिखें तो अच्छा है। पोस्टीरियर क्रिको एरेटिनॉइड इज द ओनली एबडक्टर ऑफ द वोकल कॉर्ड, दिस इज द ओनली एबडक्टर ऑफ वोकल कॉर्ड, ठीक है।
एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज अ सेफ्टी मसल ऑफ वोकल कॉर्ड, ऑल्सो नोन एज सेफ्टी मसल ऑफ वोकल कॉर्ड. ओके ठीक है सर. अब लेटरल क्रिकोइड एटिनॉइड, लेटरल क्रिकोइड एटिनॉइड इज फॉर एडक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड एंड इट इज द मसल फॉर विस्परिंग. ठीक है सर. बिल्कुल सर. क्रिकोथायरॉइड का मैंने आप लोगों को बता ही दिया. ठीक है. थायरोएरेटिनॉइड, थायरोएरेटिनॉइड सर, थायरोएरेटिनॉइड ये भी खतरनाक लग रही है मसल. ठीक है. थायरॉयड और एरेटिनॉइड, डीप सरफेस ऑफ थायरॉयड कार्टिलेज से इसका ओरिजन होता है और लेटरल सरफेस ऑफ एरेटिनॉइड कार्टिलेज पे इसका इंसर्शन हो जाता है. ठीक है. थायरोएरेटिनॉइड का, थायरोएरेटिनॉइड का काम होता है रिलैक्सेशन ऑफ वोकल कॉर्ड. ठीक है सर. ठीक है सर. ओके अगला देखते हैं. इसके अंदर बहुत बढ़िया चीज है. अगली मसल है थायरो एपिग्लॉटिकस. क्या लगता है सर इसके बारे में आपको? थायरो एपिग्लॉटिकस इज फॉर ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स. और सर अपन को वो ओरिजिन इंसर्शन तो वैसे ही सोचना है, थायरो एरेटिनॉइड कार्टिलेज से ओरिजन और एपिग्लॉटिस पे इंसर्शन. ऑब्लिक एरेटिनॉइड सर इसके बारे में, ओरिजन मस्कुलर प्रोसेस ऑफ एरेटिनॉइड कार्टिलेज और एपेक्स ऑफ अनदर एरेटिनॉइड कार्टिलेज. भाई दो एरेटिनॉइड कार्टिलेज होगी ना सर, तो एक से ओरिजन एक पे इंसर्शन. तो एरी एपिग्लॉटिकस जो होता है, सॉरी ऑब्लिक एरेटिनॉइड जो होती है ये इसका ऐसे होता है. ठीक है. वोकैलिस इसका एक्सटेंशन होता है, एक और मसल होती है इसका एक्सटेंशन होता है, इसका एक्सटेंशन होता है एरी एपिग्लॉटिकस. जी सर. एरेटिनॉइड से हाँ एपिग्लॉटिस. अब वोकैलिस खतरनाक, इट इज अ मॉड्यूलेटर ऑफ लैरिंग्स. ठीक है. ये पिच चेंज कर सकता है, कैन चेंज द पिच ऑफ वॉइस. ठीक है सर. ट्रांसफर सेरेटिनॉइड सेरेटिनॉइड. ठीक है. तो ट्रांसफर सेरेटिनॉइड फिर दो एरेटिनॉइड के बीच में होगी, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ एरेटिनॉइड कार्टिलेज और वन साइड एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ एरेटिनॉइड कार्टिलेज ऑफ अनदर साइड. ओरिजिन एक के पोस्टीरियर सरफेस से दूसरे के पोस्टीरियर सरफेस पे, मतलब एक तरीके से दो एरेटिनॉइड कार्टिलेज के बीच में है ये ट्रांसफर सेरेटिनॉइड. और एरी एपिग्लॉटिकस तो मैं बता ही चुका हूं आप लोगों को, ये किसका एक्सटेंशन है, ऑब्लिक एरेटिनॉइड का एक्सटेंशन है. तो ऑब्लिक एरेटिनॉइड का एक्सटेंशन है, तो आप खुद सोचिए कि एरी एपिग्लॉटिकस कहां से निकलेगी, एरेटिनॉइड कार्टिलेज के मस्कुलर प्रोसेस से निकलेगी और एपिग्लॉटिकस एरी एपिग्लॉटिकस तो एपिग्लॉटिस पे जाएगी. ठीक है. तो ये कितनी मसल्स हो गई आप गिन लेना. ठीक है. अब सर ये सिर्फ मसल्स ऑफ लैरिंग्स विद देयर नर्व सप्लाई, तो नर्व सप्लाई सर क्या लगती है आपको, कैसे कैसे लिखे अपन सर सबकी? तो पहले मोटे मोटे तो रिकरेंट लैरिंजियल है ही. हाँ एक्सेप्ट, और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व किसकी ब्रांच है? वेगस. वेगस और एक क्रिकोथायरॉइड है ना, वो एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व से सप्लाई होती है. वो भी वेगस की है. वो भी वेगस की है, जो कि एक ब्रांच, वो एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व एक ब्रांच है सुपीरियर लैरिंजियल नर्व की, और सुपीरियर लैरिंजियल नर्व वेगस की ब्रांच है वेगस की. ठीक है. तो सर ये लिखने की जरूरत है क्या? नहीं सर, ये आप नर्व सप्लाई में लिख दो, वो लिख दो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व सप्लाई
आर एल एन, ठीक है, ये लिख रहा हूँ ना, हाँ एक्सेप्ट क्रिको एक्सेप्ट थायराइड क्रिको बस थायराइड एंड फॉर क्रिको थायराइड फॉर क्रिको एक्सटर्नल लेरिंजियल एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व, एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व, ये पूरा ही लिख देता हूँ सर इसको। ओके सर, ठीक है। अब अगला है इंटरनल कैप्स्यूल, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, वाइवा में पूछा जाएगा, यहाँ तक कि उसमें स्पॉटिंग में भी पूछा जाएगा। ये स्पॉटिंग में भी सर इसकी दिखा देते हैं काफ़ी बार स्पॉट, हालांकि हमारी तो किस्मत ख़राब है तो देख नहीं पाए अभी तक कैसा होता है ये ड्यू टू कोरोना वायरस इन्फेक्शियस डिजीज। कोविड पेंडेमिक सर ठीक है, इसके बारे में इंटरनल कैप्सूल के बारे में देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले तो इसका डायग्राम इम्पोर्टेंट रहता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब इसके लेटरली कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, इसके मीडियली कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, और इसकी ब्लड सप्लाई क्यों सर, बिल्कुल सर बिल्कुल ठीक है। तो लेटरली स्ट्रक्चर्स कौन से प्रेजेंट हैं इसके, वो इम्पोर्टेंट है। पहले मीडियल कर देते हैं, मीडियल, इसके मीडियल स्ट्रक्चर्स कौन से प्रेजेंट हैं, एक तो कॉर्डेट न्यूक्लियस थैलेमस और कॉर्पस कैलोसम, कॉर्डेट न्यूक्लियस थैलेमस एंड कॉर्पस कैलोसम, ठीक है सर। लेटरल में क्या क्या प्रेजेंट है, लेटरल में प्रेजेंट है इसके लेंटीफॉर्म, क्लॉस्ट्रम, क्लॉस्ट्रम, एक्सटर्नल कैप्सूल, नहीं पहले सर एक्सटर्नल कैप्सूल आएगा ना शायद सर, बिल्कुल पहले एक्सटर्नल कैप्सूल जरूर आएगा बिल्कुल ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल लेंटीफॉर्म, एक्सटर्नल कैप्सूल, फिर क्लॉस्ट्रम, फिर एक्सट्रीम, फिर आएगा इंसुला, ठीक है। तो ये क्या क्या है, या सर इसको लेबल लेटरल को वो कर देना ना हाईलाइट, ये क्या क्या बिल्कुल है ये वीडियो में आप देख सकते हैं चैनल पे जाके, उसमें सब आपको पता पड़ जाएगा। अब इसका ट्रैक, अच्छा, इसके पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ इंटरनल कैप्सूल है ना, पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसके। एंटीरियर लिम, जेन्यू, पोस्टीरियर लिम, रेट्रो लेंटिफॉर्म, पार्ट एंड सब लेंटिफॉर्म, ठीक है सर। हाँ सर अब ट्रैक्ट्स, इसके ट्रैक्ट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ट्रैक्ट्स को हाईलाइट कर देना और पार्ट्स को भी कर देना एक बार सर। तो ट्रैक्ट्स अगर अपन देखें तो ट्रैक्ट्स में क्या होगा, एक असेंडिंग ट्रैक्ट्स जो कि सेंसर ही होंगे, जो कि सेंसर ही होंगे। तो असेंडिंग ट्रैक्ट्स में हो जाएगा एंटीरियर थैलेमिक, पोस्टीरियर थैलेमिक, ठीक है, सुपीरियर थैलेमिक, थैलेमिक एंड इन्फीरियर थैलेमिक। डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स, डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स मोटर होंगे, मोटर ही होते हैं हमेशा, ही है ना, कॉर्टिकोपोन्टाइन,
फाइबर्स जिसमें फर्दर फ्रंटोपोन्टाइन पेराइटोपोन्टाइन टेम्पोरो पोन्टाइन और सर एक और होता है ना ऑक्सीपिटो, ठीक है सर, और बिल्कुल सर, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट भी आते हैं इसमें। और एक एक्स्ट्रा पिरामिडल भी आते हैं, ठीक है सर, बिल्कुल सर। और ठीक है सर, कॉर्टिको न्यूक्लियर भी आते हैं, कॉर्टिको रूब्रल भी आते हैं, पर वो ठीक है, कॉर्टिको न्यूक्लियर भी आते हैं ऐसे, तो कॉर्टिको रूब्रल भी आते हैं। और सर इसकी ब्लड सप्लाई है ना, इसकी ब्लड सप्लाई एंटीरियर लिम और जेन्यू की, ओके, इसकी फिर ब्लड सप्लाई, एंटीरियर लिम्ब एंड जेन्यू की होती है, रिकरेंट आर्टरी ऑफ ह्यूबनर, सर एक बार वो कर देना ना हाईलाइट। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, रिकरेंट आर्टरी ऑफ ह्यूबनर और फिर अपने आ जाता है जेन्यू एंड पोस्टीरियर लिम की, जेन्यू एंड पोस्टीरियर लिम की आती है चार कोट्स आर्टरी, फिर रेट्रो लेंटिफॉर्म और सब लेंटिफॉर्म और पोस्टीरियर लिम, इसकी आ जाएगी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, है ना, यही रहेगी ना, बिल्कुल सर, ओके, इसमें रेट्रो लेंटिफॉर्म सब लेंटिफॉर्म एंड पोस्टीरियर लिम, सब लेंटिफॉर्म एंड पोस्टीरियर लिम्ब, ठीक है, इसकी आ जाएगी पोस्टीरियर सेरेब्रल। ये थोड़ा क्वेश्चन बढ़ा जाएगा और ये जो ये ब्लड सप्लाई और ब्रेन में मिल जाएगा, ठीक है, और सब लेंटिफॉर्म एंड पोस्टीरियर लिम्ब की अगर देखेंगे, सब लेंटिफॉर्म एंड पोस्टीरियर लिम्ब, इसकी काम इसकी किससे होगी सर, कुछ आइडिया है क्या, एंटीरियर कोरोइडल से, ठीक है सर, ओवर टू यू सर, ओके सर, ठीक है सर, तो सर पेज चेंज कर देना सर लास्ट क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सर, द अर्थ क्वेश्चन इज ड्रॉ लेबल डायग्राम टू शो ए द स्कीम ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। अब सर ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें लिखना नहीं है, इसने खुद ने बोल रखा है केवल लेबल डायग्राम चाहिए सर, सर ये यहाँ देख सकते हैं कि ब्रेकियल प्लेक्सस का डायग्राम बना रखा है, इसमें स्कीम ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस पूछी, यानी कि आपको अपनी चित्रकारी ज्यादा दिखानी नहीं है, स्कीमेटिक रखना है डायग्राम को, सिंपली आप रूट्स बताएंगे, रूट से फिर ट्रंक बता देंगे, अपर ट्रंक मिडिल ट्रंक लोअर ट्रंक, उसके डिविजन एंटीरियर और पोस्टीरियर डिविजन, फिर सारे पोस्टीरियर डिवीजन मिला के पोस्टीरियर कोर्ड, फिर एंटीरियर कोर्ड और लेटरल कोर्ड, जितने भी कोर्ड्स हैं वो आपने यहाँ पे बता दी, और फिर उनकी ब्रांचेस, ठीक है, कलरफुल रखना, मतलब जैसे रूट्स का अलग कलर दिखा रखा है, ट्रंक का अलग, फिर डिवीजन कोड का अलग, और जो जितनी भी मतलब जो रूट्स और ब्रांचेस जो निकल रही है आगे, जैसे मस्कुलोक्यूटेनियस रेडियल टर्मिनल जितनी भी ब्रांचेस है उन सबको आप यहाँ पे लेबल कर देंगे, जितनी ब्रांचेस पॉसिबल है आप सारी यहाँ पे दिखाएंगे और दैट्स इट, ये आपका काम खत्म, ठीक है सर, ठीक है, इसी तरह से
सर अगले पेज पे फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, इतने टाइम से अपन सर इसे एक्सप्लेन कर रहे थे और हर बार एक्सप्लेनेशन में कह रहे थे दिस इज अ डायग्राम क्वेश्चन, दिस इज अ डायग्राम क्वेश्चन। ये लो ये डायग्राम में पूछ लिया आप फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है सर। तो इसमें हम सारी बातें बता सकते हैं यहाँ पे आपको, मेनली इसका डायग्राम स्पीक्स एवरीथिंग, इसमें बस ये डायग्राम ही है जो कुछ भी है फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल में। असल में फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल कह लो, रोम्बोइड फोसा कह लो, रोम्बस यहाँ पे बना हुआ है, और एक और सर क्या नाम रहता है इसका, डोर्सम, डोर्सल पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, यानी कि ब्रेन स्टेम का पोस्टीरियर व्यू, ठीक है। तो वो कुछ जैसा दिखता है, इसमें आपको ये सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल, इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल बाउंड्री में दिख रहे होंगे, और मिडिल सेरिब्रल पेडंकल बाउंड्री में नहीं है, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और सल्कस लिमिटेंस यहाँ पे आपको बनानी है, फेशियल कोलिकुलस, जितनी भी लेवलिंग है बेसिकली आपको पूरी खत्म करके आनी है। ट्राइंगल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाइपोग्लोसल है, वेगल ट्राइंगल है, वेस्टिबुलर ट्राइंगल है, जिन पे रेस्पेक्टिव नर्व्स के जो न्यूक्लियस है वो भी आपको मिल जाएंगे। एक इम्पोर्टेंट इसमें था एरिया पोस्ट्रेमा, वोमिटिंग सेंटर ऑफ ब्रेन, जो इसकी जो लोअर एंड है, जो इसका इंफीरियर एंगल है, वहां पे होता है एरिया पोस्ट्रेमा जो कि वोमिट सेंटर ऑफ ब्रेन है। इंटरनल जेन्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं, अलग से बताई हुई है पोन्स में बना के, इंटरनल जेनु इज फॉर्म बाय द फाइबर्स ऑफ सेवंथ नर्व एंड द न्यूक्लियस ऑफ सिक्स्थ नर्व, एब्ड्यूसेंट नर्व, ठीक है सर। तो वो सब यहाँ पे आप बता सकते हैं। और फेशियल कोलिकुलस एक इंपॉर्टेंट है कि इस पे न्यूक्लियस कौन सा होता है, सिक्स्थ का न्यूक्लियस होता है, सिक्स्थ नर्व एब्ड्यूसेंट होती है उसका न्यूक्लियस होता है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे बता सकते हैं, जी सर, ठीक है सर। ठीक है सर। तो ओवर टू यू सर, अब तो खत्म हो गया पेपर। हाँ बिल्कुल, फाइनली पेपर ख़त्म हो चुका है, तो आप लोग पार्टी शार्टी कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो ये ये हमारा सर ईमेल आईडी बता रहे हैं, इसमें आप भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है, और दूसरी ईमेल आईडी है, जो जीमेल यूज़र्स हैं, जिनको जीमेल से प्यार है, वो जीमेल पे कर सकते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट, जिनको पसंद है, वो माइक्रोसॉफ्ट पे कर सकते हैं, और जिनको दोनों ही नहीं पसंद, वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा मेल मत डाल दीजिएगा कि मुझे जीमेल आउटलुक नहीं पसंद, तो आप याहू पे बना दो, ठीक है। एंड डू मेंशन दी सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट जरूर मेंशन करें, बिना सब्जेक्ट के मत भेजें, क्योंकि क्या देखने में दिक्कत होगी। मेंशन सब्जेक्ट रहता है तो सही है, बाइफरकेट हो जाते हैं कि सवाल पूछने वाले ये मेल्स हैं, कमेंट्स के लिए मेल्स हैं, फीडबैक के लिए मेल्स हैं, ठीक है। तो ज़रूर मेंशन करें सब्जेक्ट, और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी इस पेपर की विद सॉल्यूशन, ठीक। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब ज़्यादा ज़्यादा करें, डोनेट ज़्यादा ज़्यादा करें, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।